एजुकेशन सिस्टम पे भी दो चार लफ्ज बोल रहे हैं क्या है, चूंकि अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, क्यों डिजाइन ये किया गया कि इंसान ज्यादा ना सोचे, बस एक लाइन में ये काफी है। कॉन्शियसनेस के टॉपिक के अंदर एजुकेशन सिस्टम को डालना ऐसा ही है जैसे कि आपने मस्जिद के अंदर बुत डाल दिया। पता होना चाहिए सबको कि अगर आप एक बच्चे को स्मार्ट आईक्यू हाई थिंकिंग लीडरशिप बनाना में डालना चाहते हैं, उसके बाद आप उसको फॉलोअरशिप कोई नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने हिप्पोकैम्पस को इस्तेमाल करके आपने पेपर देने, तो फिर आपका बच्चा 15-20 साल जब इस तरह की ट्रेनिंग लेगा कि जिसमें उसका आईक्यू सिर्फ कम ही हो रहा हो, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन मत रखें कि वो बंदा बड़े काम करेगा। और कोई ये बंदा सोचे ना कि बड़े काम तो किए ही पढ़े लिखे लोगों ने, तो उसको पता ही नहीं है फिर दुनिया का, उसको समझ ही नहीं आई दुनिया का। इट्स नॉट अबाउट वेस्ट और ईस्ट, याद रखिए, इट्स अबाउट हूएवर इज एंसरिंग द बिगर क्वेश्चंस के आसमानों पे कैसे जाना है। माने पाक ने सबसे पहले आके इंटेलेक्चुअलिज्म को फतह किया। हर नबी हजरत मूसा ने आके फिरौन से क्यों बात की, अपने अहबाब में तबलीगी जमात क्यों नहीं क्रिएट, सबसे पहले तुम्हारा सबसे बड़ा जो फिरौन है उसको पकड़ो। आजकल का सबसे बड़ा फिरौन एस्ट्रोफिजिक्स है कि अगर इसको हमने पिछाड़ लिया तो बाकी के सारे के सारे, आप देखें लिबिया में, ट्यूनिजिया में, मोरक्को में अरबी कौन क्यों बोलते हैं, इजिप्ट में अरबी क्यों बोलते हैं, व्हाई आर दे स्पीकिंग अरबी। Hello, assalamu alaikum. My name is Muhammad Lal. I'm an author, I'm a storyteller, and today we did a podcast, the first episode of my new podcast, Beyond Perception, with Sahil Adeem, in which we talked about Iqbal ki Khudai, consciousness, dopamine, education system, youth, depression, and everything in between. Without wasting any further time, let's start. वीडियो भेजी थी, मेरा एक दोस्त है, बड़ा इज़ान नाम है उसका, बहुत बड़ा फैन है आपका। एक तो खैर आपको जनरली शेयर करना चाहूंगा मैं कि द वे यू आर अट्रैक्टिंग द यूथ टुवर्ड्स दिस इस्लामिक साइकोलॉजी, अल्लाह ताला कबूल करे जी, ये अच्छी बात है, अल्लाह ताला कबूल करे जी, अल्लाह कबूल करे दोस्तों, वी ऑल हैव टू स्टेप अप एंड इट्स द गेम। अब मेरा सीन ये है, मेरा एक दोस्त ने मुझे काफी वीडियो भेजी और मैं आई एम अ राइटर मायसेल्फ, आई डोंट नो दैट आई एम नॉट, आई एम अ राइटर, आई राइट बुक्स एंड स्टफ। तो मेरी बुक आ रही थी एजुकेशन सिस्टम पे, मुझे पहले उसने भेजी आपकी एजुकेशन की वीडियो, अच्छा नाइस नाइस। फिर उसने मैं एक और बुक लिख, एक सीरीज बना रहा था वीडियो की उस पर, एंड ऑफ टाइम्स पे, उसने फिर मुझे भेज दिया आपके एंड ऑफ टाइम्स पे वीडियो। मैंने कहा यार ये बंदे बड़े मेरे तरह के लाइक सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, पकड़ना। मैं बुक लिखा था बियॉन्ड परसेप्शन के नाम से लिख रहा हूँ, वो है कॉन्शियसनेस पे। पहले तो बताया कॉन्शियसनेस पे क्या ख्याल आता है आपके, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? ओके दिस इज गुड स्टार्ट। बेसिकली ना ब्रेन के अंदर ना, अब पहले 2013 से पहले पहले ना इतनी तरक्की नहीं हुई हुई थी, 2003 के बाद, सॉरी जस्ट साइड कोई टेक्निकल बंदा सुन रहा होगा तो कहेगा नहीं वो 2003 वाले स्पेक्ट इमेजिंग को भी डालें, सो लेट्स जस्ट सेटिस्फाई द एकेडमिक्स। सो 2003 से पहले पहले ना जितने भी दुनिया में मेडिकल डॉक्टर होते थे ना, वो अपने अपने ऑर्गन को, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट दिल को देखता था और फिर इलाज बताता था मसला है कि नहीं है, यू नो नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दों को देखता था, पल्मोनोलॉजिस्ट लंग्स को देखता था, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो है वो मेदे को देखता था, मगर जो साइकाइट्रिस्ट है ना वो कभी भी उस ऑर्गन को नहीं देखता था, बस वो बातें करके दवाई दे देता था। ये 2000 के बाद से नाउ वी हैव अ वेरी बिग एडवांसमेंट, पहला कदम लिया, जैसे पहले चांद पे पहला कदम था ना जो हमारी इंटरगैलेक्टिक जर्नी शुरू हुई थी, तो ये न्यूरोबायोलॉजी में पहला कदम जो था ना वो बेसिकली इस स्पेक्ट इमेजिंग के थ्रू हुआ। सो अब हमें इतना कुछ पता चल गया हुआ है माँ की हद में कि मैं जितनी भी न्यूरोबायोलॉजी पढ़ता हूँ ना, या क्योंकि हर पाकिस्तानी की ट्रेनिंग होती है इकबाल, और मेरे तो घर में शायरी का एक अलग ही माहौल है ना, क्योंकि असातिज़ा के थ्रू लगते भी शायर है, शायर टाइम लगते हैं अब। जी जी तो जी ये तो ये मिजाज फितरत से आशना हो जाता है जब माहौल घर में ऐसा हो। तो फिर जो इकबाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर हमारी ना बचपन से एक रिसर्च थी, तो ऑब्वियसली एकेडमिक लेवल के ऊपर मोर ऑन द rational side of things. So consciousness was a word which was spoken a lot under the category on the banner of Khudi in my house. Obviously, I was a little child, 10-12 years old, but I was talking about something else. वो फिर कुछ और नक्शा निगारी होती है उसके लिए। जब मैं student life से गुजरा और उसके बाद जब मैंने proper neurobiology, neurochemistry को पढ़ना शुरू किया तफसील से,
तो मुझे काफी काफी चीजों का अंदाजा हो गया कि इंसान की जो कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस, तो मैं आपको बताऊंगा मैंने खुद ही से क्यों बात शुरू की है, आपको बताता हूँ, क्योंकि टेक्निकली व्हाट आई बिलीव इज कि इकबाल वाज टॉकिंग अबाउट द सबकॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वेयर यू आर एट व्हाट स्टैंडर्ड यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स यू चेस सबकॉन्शियसली। हर इंसान, मैं और आप, दुनिया में हर इंसान कॉन्शियस लाइफ किसी और तरीके से गुजारता है और सबकॉन्शियस लाइफ किसी और तरीके से गुजारता है। हमारे वही ही होते हैं कि जो हम हमारे सब कॉन्शियस ही होते हैं। मैंने जो कपड़े पहने हैं, ये शर्ट खरीदते वक्त जो मेरे जेहन में नक्शा बना था अपने आप का, अगर मेरे उस सब कॉन्शियस हीरो से वो मैच नहीं करता था तो मैं शर्ट ही नहीं खरीदता। मैं आपको खाली एक मिसाल दे रहा हूँ। सो वी ऑलरेडी हैव दैट पिक्चर ऑफ दिस सब कॉन्शियस आइडियल एंड दैट आइडियल हैज ए सर्टन बॉडी, सर्टन हेयर, सर्टन यू नो द वे ऑफ ही स्पीक्स और हाथ कैसे हिलाता है बंदा। दीज माइक्रो डिसीजंस आर टेकन बाय द सबकॉन्शियस माइंड एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ ज़ेरॉक्स कॉपी। मैं अंग्रेजी अंग्रेजी में ना ही बोलूं ना, अंग्रेजी ये कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा मसला, ज्यादा रिलेटेबल होगी। देख लें, मुझे ये काफी, मैं पहले उर्दू बोल ले, उर्दू बोल ले। मैं कोशिश करता हूँ अंग्रेजी, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जैसे जिसकी उर्दू है भी नहीं जो मैं बोलने वाला हूँ। तो बहरहाल लियो केमिस्ट्री में ना मुझे ये बात समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने ना जो निज़ाम बनाया ना, ये कोई भी कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग जो एक शऊर की सतह पे आता है वो कभी भी इससे भाग नहीं सकता। ये चीज उसको पकड़ लेती आके कि तेरी सब कॉन्शियस औकात क्या है बेटा, असली में ये बता। और जो सब कॉन्शियसनेस है ना हमारी, जैसे कि अचानक गोली चलेगी ना इस कमरे में, तो मेरी एक रिफ्लेक्स, मेरा बेसल गैंगलिया जो है ना, जो रेप्टिलियन ब्रेन है मेरा, वो जैसे गर्म पतीले को हाथ लगाते हैं तो उंगली हटा लेते हैं ना, इसका कॉन्शियस ब्रेन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक सब कॉन्शियस रूटीन होती है, मगर ये प्राइमल लेवल की है। इसके ऊपर एक और सिस्टम है जिसके अंदर हम अपने अपनी औकात को सेट करते हैं। ये दुनिया में हर इंसान और हर जानवर और हर इंसान के साथ आगे गर्म पतीले को हाथ लगाएगी तो बिल्ली भी हाथ हटा लेगी, हर इंसान नहीं करेगा। मगर हम सब कॉन्शियसली जिस एक खास हमारा केमिकल है सेरोटोनिन, हम सेरोटोनर्जी की जिस काबे के गिर्द तवाफ कर रहे हैं ना, वो उसका पता, जिसको पता चलना शुरू होता है वो या अपने ऊपर शर्मिंदा होता है, मुमी तौर पे शर्मिंदा ही होते हैं हम कि मैं किन बुतों की पूजा कर रहा हूँ, मुझे खुद तो देख रहे, तो अपने अपने मंदिर में तो जाके देखे। जब कहीं जाके मंदिर को पहले मस्जिद में कन्वर्ट करता है, जो इकबाल ने कहा था ना कि वो हजार सजदे जो तू कर रहा है ना, तो उसके वो असल में इसका मतलब है तूने काबे में बुत रखे हुए, उन बुतों को तो हटा पहले। वो एक तरफ तो आ कि तेरा तेरा जो सेंटर है वो अल्लाह ताला की तरफ से डिजाइन में है तू, कि तू किसी दो सेंटर के गिर्द घूम ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अपना सिग्नेचर हर इंसान में रखा हुआ है कि एक इंसान किसी एक हीरो के गिर्द ही घूमेगा। वो मैं हीरो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एक रिलेटिव पिक्चर बन जाए कारीन के जहन में, वरना कोई ना कोई इमेजरी होती है हर इंसान की। इंसान जब तक उस इमेजरी की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर अपने सामने रोज बनाता है कॉन्शियसली, मामलात के दौरान बीवी के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, स्पेशली हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में जहाँ पैसे इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे आपने अपने ऐसे को डिसीजन लेते हो जिसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं आपकी लाइवलीहुड के ऊपर, आपकी मैस्लो के ट्राइंगल के ऊपर, या वट एवर दैट यू थिंक इज वेरी डियर टू यू। और जैसे ही आप उसके ऊपर सब कॉन्शियसली एक मोमेंटम बनाते हैं तो आपको फिर ये भूल जाता है, आप अपने सामने भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, और 99% लोग अपने सामने भी एक्टिंग ही कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा हूँ। असल में ना लोगों को पता होता कि आप कैसे हैं, ना आपको पता होता कैसे हैं। असल में इंसान की वो कॉन्शियसनेस के अंदर वो जो जो बुत उसने रखे हुए हैं, वो बुत असल में बताते हैं कि आप इंसान की बेसिक फियर स्टेटमेंट क्या है, फैसिनेशन स्टेटमेंट क्या है। सो जैसे ही इंसान को उस मंदिर में जाने का मौका मिलता है ना, तब इंसान को पता चलता है कि यार मैं तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ। एक बात करूँ बीच में? जी जरूर। मैंने इसी में वीडियो बनाई थी कि वी ऑल आर वॉनाबीज, मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, उसमें मैंने एग्जैक्टली ये बात की थी। उसमें मैंने एक चीज की थी कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर रोना नहीं आ रहा हो तो एटलीस्ट एक्ट टू, मतलब रोने की एक्टिंग करो। ठीक है, तो रोने की एक्टिंग क्यों, मतलब अल्लाह ने थोड़ी छुपाने कुछ दुनिया छुपा लिया, रोने की एक्टिंग क्यों? तो वो रोने की एक्टिंग इटसेल्फ इज यू टेमिंग योर सबकॉन्शियस माइंड इन अ वे। वेल, इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड ना। सी,
यू राइट, आप इसको कॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, मैं उसी को असल में आपकी सब कॉन्शियस माइंड कह रहा हूं। जब अली बिन अबी तालिब को खंजर लगा, अली बिन अबी तालिब की कॉन्शियस माइंड इस वक्त अल्लाह ताला के सामने थी, ठीक है, नमाज में सफीन के बाद माइंड के सामने अल्लाह सुभान ताला थे, ये याद रखिएगा, वरना अली बिन अबी तालिब की नमाज ही दुरुस्त नहीं थी नाउज बिल्ला, वरना तो मगर अली बिन अबी तालिब से बेहतर नमाज कौन पढ़ सकता दुनिया में। तो जब आप ये यही चीज सोच रहा था, यही वाली एग्जांपल नमाज वाली, तो मुझे पहले तलीकी आई, फिर मैं सोचा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ऐसी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ आ रही थी पीछे क्या हो रहा है, तो क्या वो लेवल था वो एक और लेवल है, बहुत अच्छा सवाल है, वो आते हैं नबी सलाम तक बाद में आते हैं, वो कहानी और है, वो कहानी और है, वो कुछ और हो रहा है उधर, ठीक है। इस तरह वो सीरत की किताबों में आता है कि बच्चे पीछे रो रहे थे, नबी सल्लम तेज तेज नमाज शुरू कर दी, ठीक है, बच्चे पकड़ के अपनी पोती पकड़ के नमाज से पकड़ के नमाज पढ़े। खैर आप जी 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 नहीं, नबी सलाम की तो मैट्रिक्स ही हो रहा है ना, दिस मैन अल्लाहुम्म सल्ली मोहम्मद वाज ऑन अ टोटली डिफरेंट, ही वाज इन अ डिफरेंट यूनिवर्स ऑल टुगेदर। इंडीड इंडीड, कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, सीरा में लिखा हुआ है कि नबी सलाम ना एक दफा दीवार से टेक लगा के बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी टांगे जो है ना वो सीधी की, इस्लाम थक जाते हैं, तो इतने में जुबरील अमीन ने उनसे कहा कि या रसूलल्लाह आपको तन्हाई में भी ना अल्लाह ताला हर वक्त देख रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी टांगे वापस पे फोल्ड कर ली, ही वाज इन अ टोटली डिफरेंट यूनिवर्स, वो एक ऐसा एक सितारा है अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद के, वो हम अभी हम ना जरा ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर ही रहते हैं, आखिरी तमाम तर बंदों की जिम्मेदारी आ जाए, तमाम तर बंदे, मैं तो अपने पोतों के लिए भी कुछ नहीं कर सक रहा हूँ ना, अपने जो पोते मेरे मोस्ट प्रोबेबल नजर भी आ रहे हैं मुझे कि हाँ यार ये तो एक कैलकुलेटेबल इंडेक्स है, क्यामत तक के तमाम तर ट्रिलियन टू द पावर ऑफ ट्रिलियन मैट्रिक्स के ऊपर इंसानों ने आपस में मामलात करने हैं, और उन तमाम मामलात के ऊपर क्या क्या चीजें रियलिस्टिकली टेंजिबल्स डिफाइन होंगी, नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर उस मैट्रिक्स पे हदीस इरशाद फरमा रहे हैं। ये आम बचा या मौलवी मस्जिद का जुम्मे में खतीब है उस बेचारे को क्या पता किस मैट्रिक्स में हदीस को रीट्रांसलेट कर, इसी में बात करता हूँ, पूछा मैं देखता पता है तुम्हें, मैंने से बात की, मैंने जो सूला को समझा ना, एक बात समझो, एग्जाम्पल थी, मैं तुम रूमी पढ़ते हो, तुम इकबाल पढ़ते हो, तुम समझ नहीं आती, तुम रसूल की हदीस समझते हो, तुम समझ आ जाती है, बच्चा पढ़ता है उसको हदीस समझ आती है, रूमी समझ आता है, इकबाल समझ आता, मैं कहूँ वो ये चीज ही और जवामी कहते हैं इसको, जवामी, ये नबी इस्लाम का खासा है, नबी इस्लाम जब हदीस इरशाद फरमाते हैं ना, तो वो इंटेलेक्चुअल जो एरे है ना, तमाम तर इंसानों की लोएस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी तमाम एरे यूनिवर्सल ठीक है। तो अभी आते हैं अली बिन अबी तालिब पे, जब अली बिन अबी तालिब नमाज पढ़ रहे हैं, और अली बिन अबी तालिब जब नमाज पढ़ रहे हैं तो एक कॉमन सेंस का तकाजा है, शरीयत के तमाम तर रेफरेंसेस जिसको आते हैं उसको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि अल्लाह ताला को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को कॉन्शियसली देख नहीं सकता, मगर अल्लाह ताला को वो कॉन्शियसली अपने अंदर ये इमेजिन कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ठीक है, ये हज़रत अली बिन अबी तालिब की नमाज का बेस मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि वो कॉन्शियसली ये फील नहीं कर सकते कि पीछे से किसने खंजर मारा है तो हुआ क्या है, ये एक सब कॉन्शियस टोटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि एक्टिव है, कि जब आपको नमाज के दौरान फॉर एग्जांपल कोई चींटी पैर में आके नस पे काट लेती है, ठीक है, तो आपको तकलीफ तो होती है, ठीक है। अली बिन अबी तालिब की एक खास खसूसियत ये भी है कि जब नमाज पढ़ते थे ना, तो उनका जिस्म जो है ना वो नरम हो जाता था, ही वाज सो ही वाज अ डिफरेंट मैन व्हेन ही वाज प्रेइंग। बहरहाल अभी इस तरफ नहीं जाते, लेट्स जस्ट कीप इट रेलेवेंट। जब उनको खंजर लगाए तो उनकी सब कॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड के थ्रू जो जुमला इशारत फरमाया ना उनसे कि फुस्तु बि रब काबा, कि मैं रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। मैंने ये अली बिन अबी तालिब के साथ नहीं हुआ, बड़े बड़े नाम है सहाबा में जिनकी रूटीन इस तरह की बन चुकी थी, मगर अली बिन अबी तालिब से ऊपर किसका नाम लूँ ना मैं सहाबी में। सो मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि कॉन्शियसनेस जिसको हम समझते हैं ना, वो कॉन्शियसनेस वो है
कि मेरे अब्बा जी का एक शेर है कि आंखों को सामने के इलाके दिए गए, वो गजल यह है कि कुछ लोग जिनको फिक्रे जिया दे दिया गया, कुछ हम के जिनको सारा जहां दे दिया गया। आंखों को सामने के दिए गए, दिल को छुपा हुआ भी जहां दे दिया गया। अब कॉन्शियसनेस जो है ना, वो आपकी सामने की तमाम तर थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स को देख रही होती। सब कॉन्शियसनेस किसी और मैट्रिक्स के अंदर आपके ऊपर सरगरा होती। जब खंजर लगेगा अली बिन अबी तालिब को और उनके मुंह से ये जो कलमा निकलेगा ना, वो कलमा उस मैट्रिक्स के अंदर फिट होता होगा कि जो ऑप्टिमम पर्पस अचीव करने के लिए एक बंदा लाइफ गुजार रहा है। ठीक है, सो इट नेचुरली टेल्स अस, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं किसी को, नमाज के दौरान आप अल्लाह ताला के सामने बैठे हुए हैं और अचानक आप अल्लाह की कसम उठाते हैं कि या अल्लाह मैं तो कामयाब हो गया। ठीक है, किस स्टेट ऑफ माइंड में एक इंसान हो सकता है कि जिसकी सब कॉन्शियस रूटीन इतनी पीक पे हो कि जब वो किसी ऐसे तकलीफ दे और फेटल ब्लो को महसूस करे तो उसको एंजॉयमेंट हो, रादर देन वो अचानक दर्द से चीख मारे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ध्यान में रखिएगा इस बात को, मैं जान के ऐसे नाम ले रहा हूँ अली बिन अबी तालिब और सबके, जिस बंदे ने इकबाल को डिटेल में पढ़ा है ना, वो खुद ही के कॉन्सेप्ट से इस तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूं काफी लोगों को, वो खुद ही को उस कॉन्शियसनेस के अंदर फिट करते हैं। तो वन लाइन स्टेटमेंट ताकि जो सुनने वाले हैं वो समझ जाएं कि जो बेसिकली कॉन्शियसनेस होती है ना, वो होती है अपने उस इमेजरी को थर्ड पर्सन के थ्रू देख रहे होना और हर बार देखना कि आप असल में कैसे। मैंने ना मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो बड़ी अच्छी पोजीशन थी, 12-15 लाख रुपए महीने की नौकरी थी, डायरेक्टर कस्टमर केयर की। आखिर ही वॉज द VP HR, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू के दौरान ना उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम बड़े ऑफ लग रहे हो, इंटरव्यू चल रहा है। मैं सिर्फ सर पता क्या, मेरा somehow मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हूँ, मैं कराची गया हुआ था, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। ही से क्यों नहीं दिख रहा, क्या हुआ तुम्हें, यू डिडंट लाइक द प्लेस, कराची इलेक्ट्रिक इज अ वेरी लग्जूरियस ग्लैमरस बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। मैं सर नहीं सर वो मसला नहीं है, मैंने ना इंटरव्यू से पहले ना आपके चीफ कमर्शियल ऑफिसर के साथ मेरा इंटरव्यू था, तो जब CEO उनके कमरे में आए ना, तो जिस तरीके से चीफ कमर्शियल ऑफिसर ने उनको ग्रीट किया और जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, और यकीनन आप भी ऐसे ही करेंगे, यकीनन मैं भी ऐसे ही करता हूँ अपने बॉस से बात, मेरे अंदर ना एक ताफुन की फिजा पैदा हो गई है कि अगर मेरे दोस्त, मेरी बीवी बच्चे, वो मुझे इस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से मैं अपने बॉस के सामने होता हूं, तो कभी सारियों में इज्जत नहीं करेंगे कि तू हमारे आगे तो बड़ा हीरो बनता है और अपने बॉस के सामने तू इतनी ताबेदारी दिखाता है। You are the big CEO of the house and you're just a little servant of the... It's not about obedience and disobedience. Now, Allah, koi ye matlab na le le ke boss ko obedience ya respect dena wo galat kaam hai, no. But I'm saying, profile change hoti na aapki apne boss ke samne. Us din maine na sirf Karachi Electric mein na ki, us din ja ke maine apni zon ki lagi lagai naukri mein bhi resign kar diya ke. Ironically, वो आसिर साहब जो थे कराची इलेक्ट्रिक के VP HR, उन्होंने भी उस दिन अपनी नौकरी से रिजाइन करके कॉल की कि तूने मेरे साथ क्या कर दिया। एंड आई सेड मैंने आपके साथ नहीं किया, खुदा की कसम मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। Somehow वो दिन ही ऐसा है कि जिसमें ना मुझे अपना आप बाहर से नजर आ रहा है, और जाहिर है मैंने तो किसी बॉस को वहां पर यस सर नहीं करना था, मुझे अपना पास्ट, अपना डेली रूटीन, अपनी सब कॉन्शियस रूटीन नजर आ रही थी। और तो मेरा जमीर भी कह सकते हैं, नहीं ना इसको जमीर नहीं ना कह सकते, बहुत खूबसूरत सवाल है। यहीं पे आके ना आपने ये डिस्टिंक्शन करनी है कि जमीर जो है ना, जमीर इज ए जायरोस्कोप ऑफ द बेयर लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर आपने फैसला करवाता है। जमीर कहता है कि इससे नीचे आना, और खुद ही कहती है ये खुद ही इज द पीक ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, इज द पीक। जमीर इज द बेस मेरिट के, या जिना नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, गलत। ये बात तो बहुत आगे की हो रही है, आप आसमान की बुलंदियों में उड़े इस वक्त के। नहीं यार, मुझे अपना आप इस तरीके का नहीं पसंद। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इसकी मिसाल देता हूँ, जिन्होंने सीरा पढ़ी उनको पता है कि जब मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, जब नबी अलैहिस्सलाम ने यमन का गवर्नर बनाया हुआ था, अबू बकर सिद्दीक जब अमीरुल मोमिनीन बने, तो उन्होंने ना
लेजिस्लेशन लिखा और फिर बताया कि भाई ये हायरार्की है, इस तरीके से रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा। तो हज़रत मार बिन जबल को यमन से बुलवाया और हज़रत मार बिन जबल से उन्होंने कहा कि आइंदे से आपने यमन की रिपोर्ट मुझे देनी है, व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताई। तो हज़रत मार बिन जबल ने कहा कि मैंने आपको क्यों रिपोर्ट देनी है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्योंकि मेरा जिम्मा है वो हदीसें, मगर मैं तो सिर्फ अल्लाह को रिपोर्ट करता हूँ। तो अगर आपको ये शक है कि मैं अल्लाह को रिपोर्ट नहीं करता तो फिर तो मसला है मेरे और आपके बीच में। दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, कोई ऐसा नाउज़ बिल्ला कोई मसला नहीं था आपस में। और मुझे तेरा भी सवाल होगा, मुझसे मेरा भी सवाल होगा, तू बात ठीक कर रहा है, तेरे तकवा के ऊपर ही तुझे अल्लाह के नबी सलाम ने जगह दी हुई है, मगर तेरा भी सवाल मेरे से होगा, तो इसलिए यू हैव टू रिपोर्ट टू मी। एंड मार बिन जबल ने कहा नो आई एम सॉरी, मैं अल्लाह के अलावा किसी को रिपोर्ट नहीं करता। मार बिन जबल रिजाइन फ्रॉम द गवर्नरशिप एंड वेंट टू सीरिया। नाउ दो स्कूल ऑफ थॉट है उलमा के जो इसके ऊपर बहस करते हैं, मगर आई डोंट केयर कि वो क्या बहस करते हैं। हमें मार बिन जबल के अंदर का वो सब कॉन्शियस नक्शा नजर आता है इससे, ठीक है। और वो अब कोई सुनने वाला ना ये रिकॉर्डिंग जब अपलोड होगी तो कोई ये ना सोच ले कि सर ये इसमें तो बड़े मसाइल निकल सकते हैं। ये बात असल में ना खुद ही के चैप्टर में ही रखी है आपस, ये कॉन्शियसनेस के अंदर जब आप अपने आप को बाहर से देखते हैं ना तो आप एज अ कैमरामैन नहीं देख रहे होते, आप अपने तमाम तौर उन बुतों को देख रहे होते हैं कि मेरी किन बुतों के किर तवाफ करने की जो रूटीन है ना वो नजर आ जाए, वो जमीन नहीं दिखाएगा आपको, वो आपको स्टैंडर्ड्स दिखाएंगे। स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, मेरिट सबसे निचला स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और खुद ही सबसे ऊपर वाला स्टैंडर्ड होता है। सो जब आपके स्टैंडर्ड्स नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो आपको बड़े बड़े मॉरल लोग मिलेंगे, बड़े मॉरल लोग होंगे, मगर उनके थिंकिंग पैटर्न और स्टैंडर्ड नीचे के होंगे, और उन पर कोई शक नहीं ना अल्लाह ताला उनको उनके और दर्जात बुलंद करे, बड़े बड़े लोग जनती हैं, मगर ये बात कॉन्शियसनेस में जब आती है तो इंसान देखता है कि अगर अल्लाह पर ही रहना तो अल्लाह तो फिर कुत्ते को पानी पिला के भी जन्नत में डाल देगा, मगर अल्लाह ताला ने हमें बेस मेरिट के ऊपर रहने के लिए नहीं कहा। अल्लाह ताला ने कहा है कि तू क्या पीक क्या औज देखेगा तू इस सोच की, वो दिखा मुझे दुनिया में। वो बड़े कम लोग होते हैं कि जो यू नो 100 साल 200 साल में एक ऐसा मिलता है आपको कि जो इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर लटका हुआ होता है ऊपर से, कि स्ट्रगल भी कर रहा होता है मगर उसको पता होता है और ऊपर की तरफ अपने आप को खींच रहा होता है, ऐसे ऐसे आंसू बहाता है कि बंदा सोचता है कि किस बात पे रो रहा है, मगर वो हमें बता ही नहीं सकता कैसे बताया, हमें उन स्टैंडर्ड का पता ही नहीं होता जिनकी वजह से वो बेचारा डिप्रेशन में होता है कि मुझसे वो स्टैंडर्ड नहीं अचीव हो रहा। सो दिस इज व्हाई व्हेन आई सी मुस्लिम स्कॉलर्स दे टॉक अबाउट कि वो तो पहले करामतों के ऊपर वो यू नो मोजे हो गए, करामतें हो गई, ये लोग कितने दो नंबर झूठे हैं, या फिर कोई कहे यार तसव्वुफ में ये चीजें मिल गई मुझे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग एक लीनियर डायग्राम क्यों ड्रॉ करते हैं, देयर इज सच अ मल्टी डायमेंशनल डायग्राम जिसके थ्रू आपको उन बुतों को पूजा करते हुए ऐसे ऐसे हाजी भी मिलेंगे, ऐसे ऐसे अपेरेंट मुत्तकी भी मिलेंगे, मगर वो किसी ना किसी मंदिर में किसी बुत के गिर्द उनका खूंटा बंधा हुआ है, उनको पता ही नहीं इस बात का। और अपेरेंटली ऐसे ऐसे बंदे भी मिलेंगे कि जो उस तरीके से आमाल उनके नहीं है कि जिस तरीके से आप सोचेंगे यार ये बंदा चलता फिरता मोमिन है, मगर वो किन किन स्टैंडर्ड को देखने के लिए उछल रहा है, ठीक है। वो मैं एक और अब्बा जी का शेर यहाँ पे याद आ रहा है कि चाहूं तो ऐ खुदा तेरी आंखें ना गिन सकूं, चाहूं तो ऐ खुदा आंखें ना गिन सकूं, फिर भी उछल के खुद को दिखाना पड़ा मुझे, कि मुझे अपने आप को डिस्टिंक करने के लिए मुझे ऊपर आना ही पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड से, कि इस तरह तो काम नहीं होगा कि यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द क्राउड एंड स्टिल बी अ मुस्लिम, still be a moment, still be a man who uses the word khudi casually, ya, you know, stuff like that, jo ke kisi ke ilm ki bina se ho. It's not just about ilm, it's not about taqwa, it's not about, actually taqwa is the best word for it, taqwa is the closest word jo mujhe nazar aata hai, abhi tak mujhe arbi ka ho na, arbi mein jo taqwa hai, urdu wale nahi, jo urdu wala taqwa lete hai na, pakistani, wo taqwa nahi, jo arbi ki jo इत्तकुल्ला जब अल्लाह को बोलते हैं ना इत्तकुल्ला, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह से घबरा जाओ, राइट, उसका मतलब होता है कि बस अल्लाह के उस नूर जिस नूर पे तुम्हें अल्लाह ने बनाया था जिस नूर से उसका हक अदा कर दो। ये हम ना खाक का रोज हक अदा करते हैं, खाक का इतना हक अदा करते हैं खाक का कि खाक भी कहती है बस कर लिया,
इसका कि जिसम है ना इसका इतना हक अदा करते हैं और जिस नूर से बने उसका 1% हक नहीं अदा करते। तो ये वो लोग हैं जो नूर का हक अदा कर रहे होते हैं और नूर हमेशा ऊपर देखता है, याद रखिएगा, खाक हमेशा नीचे देखती। मुझे ना वैसे एक बात आई है, समझ नहीं आ रही, करूँ ना करूँ, चलो कर देता हूँ। मैं गया हज पे तो बड़ी चीज़ें मैं उससे कर पाई, थोड़ी थोड़ी क्या कहते डीप परस्पेक्टिव ये था स्टिलनेस, खैर वो बाद में भी बात करेंगे। तो मैं हज पे गया, मैं देखा लोग रो रहे हैं, कोई नवाफिल नवाफिल पढ़ रहा है, कोई रो रो कर दुआएं कर रहा है। मैंने कहा यार, मैं सब जगह देखा, मैंने कहा यार तू किधर किधर का रह गया, तेरे में तो इतने है ही नहीं कि तू स्टैंड कैसे होगा इतने बड़े मजमे में, तू स्टैंड आउट कैसे होगा, स्टूडेंट कैसे होगा। फिर मैंने देखा, मैं बड़ा वो हो गया, मायूस ही हो गया दो मिनट। मैं समझ गया क्या क्या तवाफ करूँ, तो सारे कर रहे हैं, रोना मुझे आता नहीं है, नफल में मैं कितने पढ़ूँ, उससे मेरे से बेहतर ही पढ़े होंगे। मैं सर सोच रहा, तो मैंने कहा एक चोर वाला निकल सकता है, वो ये है कि जो जो अच्छा कर रहा है उसके उसका तू वो बन जा, महबूब बन जा, तो तू डायरेक्ट अल्लाह के महबूब का महबूब बन जाएगा तू वो, मतलब जिस तरह फिर ना मैंने थोड़ी फलाई खिदमात कर रहा था वो पढ़ने बात है। देखिए कैसे इंसान किस तरीके से अपना अपनी तारें कनेक्ट करता है कि सर्किट पूरा हो जाए मेरा। मैं ना मेरे उस्ताद हैं, वो अपना वाक्य सुना रहे थे कि वह अपने उस्ताद के साथ उम्र पे थे, एक्चुअली कहते कि वो सारा कुछ उन्हीं से सीखा था, दोनों अरब हैं, अरब दोनों अरब हैं, मगर मस्जिद नबी में जब गए तो कहते मेरे उस्ताद पीछे वाले सतून के पीछे छुपे हुए थे, सामने ही नहीं आ रहे थे, सफ में ही नहीं आ रहे। तो मैंने कहा किधर गए, ढूंढता पता चला सतून के पीछे छुपे हुए। तो मैंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा मुझसे तो सामना नहीं हो रहा, मतलब उनको अपना अंदर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, कहते मुझसे भी सामना हो गया। तो मैं भी ये सोचता हूँ, तो हशर के दिन क्या वो हदीस है ना रसूलुल्लाह की, हदीस रसूलुल्लाह की के आखिरत जब आखिरी वक्त में रसूल ने कहा कि मुझे अपने भाई बहन बड़े याद आएंगे, उन्होंने पूछा वगैरह ने क्या मतलब रसूल वसलम हम आपके साथ हैं, उन्होंने कहा तुम मेरे साहबी हो, मैं अपने भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, मैं अपने भाई बहनों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा कौन, कहे तुम्हारे बाद जो ईमान लाएंगे। उन्होंने पूछा अच्छा कितने मिलोगे आप, मिलेंगे आप मुझसे, उन्होंने कहा हाँ मैं मिलूंगा हशर के दिन। जिस जज्बे से उसने कहा मिलूंगा उसी से मैं सोचता हूँ परेशानी से मैं क्या मुँह दिखाऊंगा रसूल वसलम को, क्या खैर। तो एक और सवाल लिखा, एक और सवाल लिखा तो मैंने, खैर वो यही था कि सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, खैर वो यही था कि यूथ और रिलीजियस स्कॉलर्स कह रहे हैं, इनका आपस में इतना डिफरेंस क्यों पैदा होता है? अरे बड़ा ही वो बड़ा आलमी है, बहुत ही बड़ा आलमी है। बात पता क्या है, मुझे ना फिरकों की दीवारों से फर्क नहीं पड़ता, बनती हैं फायदे भी होते हैं इसके, फिरके की दीवार है। इन हुआ ये हमारे साथ कि इन्होंने ना मुसलमानों के और अल्लाह के बीच में दीवार बना दी है। मुझे बस इस बात पे है कि लोगों को अल्लाह ही नजर आ रहा, इनको एक्सप्लेन ही नहीं करना आता कि अल्लाह किधर है। बिल्कुल सही बात है। मुझे ना मुझे सिर्फ ये एक तकलीफ है, आजकल की जितने भी स्कॉलर्स हैं ना वो रास्ता ही नहीं, वो अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचा रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक खास एक लेवल अचीव करवा भी रहे हैं ना अगर, तो वो ये नहीं एक्सप्लेन करके बता रहे कि, मतलब आप ये बताएं कि एक कंपनी में आप आते हैं, एक मुल्क में आप जाते हैं, उस मुल्क के बादशाह के बारे में आप बताते ही नहीं हैं कुछ और बाकी की पॉलिसियाँ पूरी करवा रहे होते, आप एक जगह पर जाते हैं उस जगह पर आने का मकसद नहीं बताते और मामला ठीक करवा रहे होते, ये कैसे हो सकता है? इन्होंने अल्लाह छुपाया हमसे, मुझे सिर्फ इस बात पे है, मुझे वो लेफ्ट विंग लिबरल से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना वो क्लेम करते हैं ना वो चाहते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप से ये शिकायत है कि तुम लोगों ने अल्लाह के आगे पर्दे डाले हैं। हमारा बच्चा जब अल्लाह जाहिर है फिर अल्लाह नहीं नजर आएगा, तो फिर इसी तरह के काम नजर आएंगे जो कि हो रहे हैं आजकल। तो फिरके के मसला नहीं था मुझे, आए मुझे शिया होना या सुन्नी होना किसी का कोई मुझे तंग नहीं करता, मुझे ये तंग करता है कि तुम लोग अल्लाह को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कितने पार्ट हो इस्लाम के, तुम कितने पार्ट हो यूनिवर्स के, कितने परसेंट तुम हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा सर्किट जो है ना वो बिजली लेता कैसे है। और
पर यही असली कहानी है जिसकी वजह से ना मैं इन रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, एक एक खास रेडियो चैनल है उसके ऊपर बड़े काम की चीजें चल रही, मगर वो चैनल मेरे दिमाग में ट्यून ही नहीं होता, तो फिर मैं क्या करूंगा। आप देखें इनकी जो डायलेक्टिकल लेक्सिकल ग्रामर कहते हैं, इनकी जो स्पीच है ना उलमा कराम की, वो इनहेरिटेड, इसको साइकोलॉजी में प्राइमिंग कहते हैं, फ्रेमिंग कहते हैं, सॉरी, ये फ्रेम, उस जिस फ्रेम के अंदर ये लोग बैठे हुए ना इस वक्त, हमारे मौलवी साहब जितने भी हैं, आप नाम लें जितने भी हैं, तो तमाम मौलवी साहब इस फ्रेम में बात कर रहे हैं ना, वो फ्रेम कुछ और है, और जिस जिस फ्रेम के अंदर यूथ डेवलप हो रहा है वो फ्रेम ही कुछ और है, वो साइकोलॉजी और है। तो दो या तीन मिनट से ऊपर एक रिलीजियस स्कॉलर जिसे कहते हैं ना अटेंशन सीक ही नहीं कर सकता उस यूथ की। टॉम क्रूज और शाहरुख खान ले लेते हैं लाना तो हमारे ऊपर, कि हम वही टेक्निक नहीं लगा सकते कि जिसके ऊपर, सिंपल टेक्निक के ऊपर फिल्में हिट हो जाती हैं, बिलियंस की तादाद में लोग देखते हैं फिल्में, मगर जो असली चीज है इसमें रियल फैसिनेशन है, वो दो मिनट से ऊपर कोई नहीं देख सकता। तो इसका मतलब है कि इनकी जो ग्रामर है ना, टेक्निक क्या है सर, बेसिक साइकोलॉजी जो इंसान की है ना, बेसिक साइकोलॉजी, वो बहुत आसान सी है, उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। माँ बाप की भी ट्रेनिंग में मैं यही डालता हूँ कि सबसे पहले ना बच्चे के सामने एक ऐसा हीरोइज्म क्रिएट किया जाए, और वो बातों से, स्टोरीज से क्रिएट होता है। ये बात बिल्कुल सही की है। मैं चूंकि मैं खुद भी एक यूट्यूब चैनल बुक्स वाला लिख रहा था, थोड़ी बहुत मेरी अपनी भी ऑडियंस है, तो मेरा जो है ना सारा फोकस वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये है कि रसगुल्ला की मोहब्बत पैदा हो दिलों में, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो सारी बात है, नाम अली मोहम्मद शफीक सारे हैं हमारे, लोग मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत की जबरदस्ती नहीं की जाती पिंच के आप गिल्ट फील कराओ, गिल्टी फील कराओ को, तुम्हें मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत दिल से आती है। कार्टून में आ ही नहीं सकती, आपने बड़ी बात की, असल में ना मोहब्बत और ऑनर को ना सेपरेट कर ली। ऑनर बहुत करवाते हैं हमारे माँ बाप भी, मौलवी साहब भी, ऑनर ऑफ द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई शक नहीं है, मगर ऑनर और मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप अपने बच्चों की से आप मोहब्बत करते हैं, आप उनको ऑनर नहीं देते, ठीक है, आप कॉमन सेंस की बात है कि मैं अपने बच्चों को ऑनर क्यों दूंगा, क्या किया उन्होंने ऐसा, जब कुछ करेंगे तो ऑनर भी दे दूंगा, मगर बगैर कुछ किए मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अभी बिल्कुल इसी तरीके से मोहब्बत का जो ब्रेन सेंटर है ना वो कुछ और है, वो केमिकली कुछ और है, और ऑनर का केमिकली कुछ और है। हम नबी अलैहिस्सलाम से जब तक उनके हीरोइज्म के अंदर, वो पूरी की पूरी स्टोरी लाइन के अंदर सैक्रिफाइस का एलिमेंट विजिबल करके नहीं बताएंगे ना कि किस तरीके से वो अभी भी हमारे साथ उसी डेवलपमेंट, तब तक वो बच्चा क्यों प्यार करेगा। मेरे कहने से आप मुझसे तो नहीं प्यार करेंगे, मेरे कहने से आप किसी भी तरीके से कोई भी किसी से कह दे हाँ मेरे से प्यार कर, वो प्यार करना शुरू कर देगा, कभी भी नहीं हो सकता। मैं ऑनर तक करवा सकता हूँ खाली स्टोरी टेलिंग से, मगर जब तक वो प्रॉपर बाय डिजाइन स्ट्रक्चर तरीके से वो तमाम तर मामला नबी अलैहिस्सलाम के बच्चों को एक स्ट्रक्चर तरीके से नहीं सुनाए जाएंगे, तब तक उन बच्चों के सामने वो एक एम्बॉडीमेंट ऑफ लव क्रिएट ही नहीं हो सकता, उनका केमिकल ट्रिगर नहीं हो सकता। ये साहबा और हमें जमीन आसमान का फर्क क्यों सबसे पहले कहां से पढ़ना शुरू हुआ है कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, आपको पता चले साइकोलॉजी कैसे है। हजरत हुज़ैफा बिन जमान के ना भतीजे थे, उनसे वो बातचीत कर रहे थे, तो हुज़ैफा बिन जमान की भतीजे ने उनसे कहा कि चाचा जी आप लोग रह गए हैं, अगर हमारे होते हुए नबी अलैहिस्सलाम होते ना तो जमीन पे कदम ना रखने देता मैं उनको, आप लोगों ने तो एक आम सी लाइफ गुजारी है उनके साथ, ये ऑनर की बात नहीं हो रही, मोहब्बत की बात, याद रखिएगा। और हजरत हुज़ैफा ने फिर जो जवाब दिया है ना, अब आपकी वीडियो दो घंटे की हो जाएगी, वो बहुत लंबी हदीस है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन जमान ने फिर बताया कि बेटा तुझे बताता हूँ मोहब्बत कैसे करते थे नबी अलैहिस्सलाम से, और फिर उन्होंने वाकयात सुनाए कि मोहब्बत होती क्या है, करनी कैसे पड़ती, और वो सारे के सारे वाकयात खुदा की कसम सेक्रीफाइस के थे कि मैं अपनी जान कुर्बान कैसे करूंगा, कितना एक सेकेंड लगेगा। जिस बंदे को भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है ना ख्वाब में, और उसने नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखा है, खाली ख्वाब में ज़ियारत की बात बता रहा हूँ, जितने भी लोगों से मैंने पूछा है जिन्होंने मुझे बताया, और मैंने कहा कि भैया सबसे पहली फीलिंग क्या आती है, तो मैं आपको 10-12 बंदों की बात नहीं बता रहा हूँ, काफी बंदों की बात बता रहा हूँ, सबसे पहली फीलिंग जो उन्होंने बताई ना मुझे वो ये कि जैसे ही हम नबी अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो पहली फीलिंग दिल से निकलती है कि इतना आसान है अपने बच्चे तक कुर्बान कर देना इसको,
ऐसी शख्सियत, एक सेकंड में सकीना आ रहा था कि सब कुछ ये नबी रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारक को देख के पहले सेकंड में ये एलिमेंट आता है। जिसने भी ज्यारत किया पूछ लेना उससे, मैंने पूछा है तो आपको बता दूं। तो हजरत हुज़ैफ़ा बिन जमान रज़ी अल्लाह अन्हु जो राजदान रसूल है ना, क्लोसेस्ट कंपेनियन में से हजरत हुज़ैफ़ा बिन जमान है। सो उन्होंने फिर ना अपने भतीजे को ना फिर दास्तान सुनाई कि बेटा मोहब्बत किसे कहते हैं, हम आपको बताते हैं, आप फिक्र ना करें, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और फिर उन्होंने वो सैक्रिफाइस की दास्तानें सुनाई कि जो सहाबी किस तरीके से, मैं वो कैसे बताऊं कि नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वे उहद में खड़े हुए हैं और सहाबी ऐसे छलांगे मारे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर क्योंकि तीर हवा में से गुजर रहे हैं और सामने ऐसे नहीं कि कमर कर रहे हैं, एक दूसरा बंदा कब लगेगी और कतादा की आंख में तीर लगे ना तो आंख जाके लगी ना। और इतनी तस्कीन बताते हैं वो, इतनी तस्कीन के मैं वो चुनाव आदमी था जिसको तीर लगे नबी अलैहिस्सलाम को बचाते हुए। रादर देन गोइंग इनटू पेन दिस मैन गोज इनटू द विक्ट्री के ये काम हो गया मेरे मेरी लाइफ का, अल्लाह ताला के हाँ मैं चुन लिया गया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम के आगे आगे तीर जो है ना आंख पे लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने खैर वो आंख उठाई और वापस लगा दी और ठीक भी हो गए। हजरत कतादा कहते हैं कि वो वाली आंख मेरी सारी उम्र ज्यादा देखती रही, ज्यादा अच्छी आई साइट उसकी थी जो नबी अलैहिस्सलाम ने वापस डाली थी। बहरहाल द पॉइंट इज किस तरीके से सहाबी नबी अलैहिस्सलाम को देख रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बिकॉज हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अरब का ये कल्चर है कि बच्चे को ट्रेनिंग में मगाजी सिखाए जाते हैं। कोई अरब का बच्चा नहीं ऐसा जो पैदा हुआ इसको मगाजी ना सिखाए गए। मगाजी होते हैं गजबों की दास्तानें, ठीक है। सो नबी अलैहिस्सलाम की जो मिलिट्री क्या होती है गजवे की जमा गजवा द बैटल्स, ठीक है। क्योंकि बैटल तरीके से सैक्रिफाइस करनी पड़ती है ना। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं एक लेक्चर सुन रहा था, अरेबियन स्टूडेंट्स थे सारे, मिस्री थे, जॉर्डेनियंस थे। और देखें कल्चर में फर्क क्या होता है, हमारे और अरब के कल्चर में फर्क। तो अरबी मिस्री टीचर हमें गजवा हुनैन सुना रहे थे टोरंटो के अंदर। और गजवा हुनैन में नबी अलैहिस्सलाम को ना, क्योंकि ऑनस्लॉट हुआ था कुफार का, दोनों तरफ से एम्बुश हुए थे मुसलमान, हम 10,000 बंदे थे मगर एम्बुश हो गए तो एकदम क्लस्टर में टूट गई, सारे सहाबा की टीम्स क्लस्टर में टूट गई, नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले रह गए। नबी अलैहिस्सलाम वो आगे चल रहे हैं। हाँ। और सोचे जरा नबी अलैहिस्सलाम इशारा क्या फरमा रहे हैं उस वक्त, अल्लाह के नबी उस वक्त वॉर क्राई थी ना वो कोई और थी, हुनैन की वॉर क्राई कुछ और, वॉर क्राई होती है वो नारा जो के हर सहाबी हर वॉर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम मुख्तस करते थे। नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त अपनी वॉर क्राई के साथ आगे चल रहे थे कि ये मैं कैसे, देखें इसको कहते हैं खुदी की वो थी मैं मोहम्मद, खुदी की पीक चेक करें जरा कि नबी अलैहिस्सलाम वो वॉर क्राई कर रहे हैं कि मैं कोई झूठा आदमी तो नहीं हूं जो मुझे किसी किस्म का कोई मसला होगा। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की वॉर क्राई क्या थी, बार बार वो पढ़ रहे हैं के वो अना नबी उला कज़िब इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये बार बार इशारा फरमाई जा रहे हैं और आगे जाई जा रहे हैं। मैं मोहम्मद हूं, ये अना नबी उला कज़िब कि मैं कोई झूठा नबी नहीं हूं, अना नबी उला कज़िब इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये कहते कहते वो आगे जा रहे हैं और पूरी फोर्स आगे। एंड दिस वन मैन माशाल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वो आगे जा रहे हैं। सोचिए आप जरा कि मैं आपको ये वाक्य क्यों सुना रहा हूँ, ये वाक्य मैं सुन रहा था और मैं खुदा की कसम ऑनर ले रहा था सर कि क्या ऑनर की स्टेट है। और सारे मेरे अरबी दोस्त सारे धाड़े मार मार के रो रहे थे और मैं इनको देख रहा था कि मुझे रोना तो नहीं आ रहा, मुझे तो एक फीलिंग ऑफ यू नो हीरो आ रही है, मगर अरबे सारे बैठे वहां पे मेरे 34-35 में, उसका 25 का था, 35-35, 40-40 साल के मेरे बड़े भाई लोग ना, वो चीखे मार के रो रहे हैं कि ये क्या वाक्य हो रहा है। और मैं उस वक्त सोच रहा हूँ कि ये कैसी साइकोलॉजी बनती है इनकी, How are they trained? Why are they crying about this? So it's such a big difference. जब आपको उस्ताद मिल जाए ना जो अंदर से ना दिल निकाले साफ करे और वापस सेट करे कि बेटा मोहब्बत का दिल अलग होता है और रुतबे और तकरीम का दिल अलग होता है, ठीक है। और हमें हुक्म भी हिब्बू का है कि अल्लाह के और उसके रसूल से मोहब्बत ज्यादा करोगे। ऑनर तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ नबी अलैहिस्सलाम का, ऑनर तो कुफार भी देते थे नबी अलैहिस्सलाम को। इज्जत तुम दे के सकते हो, इज्जत दे के सकते हो तुम
ऑनर तो अल्लाह के नबी इस्लाम का अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले लिया, मगर मोहब्बत हमारे दीन का ईमान का हिस्सा बनाया कि मोहब्बत इस, मैंने आपसे कहा ना कि हजरत उमर से ज्यादा कोई ऑनर कर सकता है नबी इस्लाम को, मगर जब यह हदीस आई ना और नबी इस्लाम ने उमर बिन खत्ताब से कहा कि उमर कोई भी मोमिन तब तक नहीं हो सकता जबकि अल्लाह और उसके रसूल को अपने से ज्यादा और अपनी जान से भी ज्यादा, बीवी बच्चों से भी ज्यादा अजीज न रखे, तो हजरत उमर बिन खत्ताब देखें किस क्या पर्सनैलिटी होती है, अंदर बाहर सब कुछ साफ एक जैसा, नफाक जीरो। तो हजरत उमर बिन खत्ताब नबी अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमा रहे हैं, सोचें ये क्या बात हो रही है, कौन सी दोस्तियों की बात हो रही है। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं तो अपने आप से ज्यादा नहीं प्यार करता आपसे, कोई बंदा इतना सच्चा हो सकता है? ये सब कॉन्शियस ट्रेनिंग होती है तब जाके ये लेवल अचीव होते हैं। तो नबी इस्लाम ने कहा उमर, नबी इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि लाहौर वाला कुवत, ये तो कुफर हो गया तेरे साथ, नहीं, नबी इस्लाम ने कहा कि उमर तो तू तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक नफ्स से ज्यादा ना प्यार करे। तो उमर फिर अगली सेशन में कह रहे हैं या रसूलल्लाह, अब मैं आपको अपने नफ्स से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। या नबी इस्लाम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उमर ये तू मोमिन है, तू मोमिन हो गया। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ लेमैन, एक बच्चे को जब आप 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे को जब इस वाक्य को इतना सुनाएंगे उस बच्चे को क्या समझ आएगी? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस, ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस एंड टेल देम हाउ एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरी पीस एंड हाउ एम आई कनेक्टिंग दिस चेन ऑफ पर्ल्स। एक छोटी सी हदीस के अंदर इतना बड़ा वाक्य क्रिएट हो जाता है दिमाग। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ सहाबा की ना, साद बिन माज, मतलब मेरे दिल के सेंटर में अगर कोई नाम लिखा हुआ ना तो साद बिन माज लिखा हुआ सेंटर में, क्योंकि बचपन में जो पहला हीरो क्रिएट किया गया था ना वो साद बिन माज था। सो वो कैसे क्रिएट हुआ था, जब वो स्टोरी सुना रहे थे ना मेरे साथ के, साद बिन माज व्हाट वाज ही डूइंग, 9 साल इस्लाम में हुए, 9 साल टोटल, 37 के शहीद हुए वो, ठीक है, बैत उकबा 9 साल पहले हुई है, 9 साल बाद अल्लाह का अर्श ला दिया उस बंदे ने, अल्लाह का अर्श ला दिया, क्योंकि जिन फरिश्तों ने वार्ष पकड़ा था वही भागे कि हमने साथ को मिलना है। सो 9 ईयर्स के अंदर ऐसा क्या करता है एक इंसान कि जो इस पीक पे जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ता हयात साद बिन माज का नाम बेंच मार्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि ये मतलब एक कपड़ा आया अरब में, ताजिर कपड़ा लेके आए और नबी अलैहिस्सलाम खुद भी कपड़े के ताजिर थे, तो अरब पागल हो गया उस कपड़े के ऊपर के, और आके नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया कि या रसूलल्लाह ये देखिए क्या कपड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कपड़ा देखा और तारीफ की कि वाकई ये कपड़ा तो बहुत बहुत नायाब है, मगर साद का जो रुमाल है ना इस वक्त, जिस रुमाल को उसने हाथ में पकड़ा हुआ जन्नत में रुमाल भी इससे बेहतर है। नबी अलैहिस्सलाम सारी उम्र साद बिन माज को मार्ग बना बना के साहबा को बताते रहे। सो इट्स नॉट अ कैजुअल मैटर कि हम स्टोरियां सुना रहे हैं, स्टोरी तो कोई भी सुना देगा, जिस स्टोरी के अंदर जो वैल्यूएबल टेंजिबल एलिमेंट्स डालने ना साइकोलॉजी के, वो पेरेंट्स जब तक जान के नहीं डालेंगे तब तक आप खुद ही की बातें तो बहुत दूर की चिड़िया है, वो पहले जमीन ही उसका नहीं मुतमईन होगा, वो बेचारा फिर दूसरे मोड़ पर स्लिप होके आएगा कि आप तो बातें कर रहे हैं आसमानों की, मुझे तो जमीन पे नहीं गुजारा हो रहा, मैं आसमान पे कैसे जाऊंगा। क्या सही। अच्छा एक ऐसे ना, मैं जो कि बताया था मैं खुद भी कॉन्शियसनेस और कि कॉन्शियसनेस है कहाँ कहाँ रुकती है, क्योंकि मेरा आपकी जो बात थी वो थी ब्रेन के रिलेटेड, मैं कॉन्शियसनेस का और तरीके सोच रहा था, ठीक है ना, कॉन्शियस क्या है, ठीक है। खैर तो एक सवाल पहले करता हूँ फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल ये है कि जब बंदा ये जिस्म मरता है, रूह चली जाती है बरज़ख, तो ये जिस्म क्या जब दोबारा रिवाइव होगा, क्योंकि इसमें दो तस्वीरें पाई गई, मैंने जितनी मैं तहकीक किया ना, एक जगह पे तो यार बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, ये वर्ल्डली एलिमेंट वर्ल्डली ख़त्म हो जाएगा, दूसरा कि नहीं आपको दोबारा उठाया जाएगा, इस तरह वो है आखिरत में कि तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, कुरान की आयत भी है, ठीक है कि तुम्हें मैं दोबारा उठाऊँगा। तो क्या ये बॉडी वाला एलिमेंट, मैं इस सवाल के जवाब वाला फिर बातों को क्या कहना चाह रहा हूँ, तो क्या ये बॉडी वाला एलिमेंट जगत में होगा? बॉडी वाला एलिमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि कुफार का मेन आर्ग्यूमेंट ही तो यही था कि या तुम ये कह रहे हो ये हड्डियां बनने के बाद दोबारा बन जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब एज इज बिल्कुल बेसिक लेवल पे आके बताया कि आसमान और सितारे बनाना मुश्किल काम था तुमसे कई ज्यादा, तुम्हें
तुम्हें बनाना दोबारा से मुश्किल काम नहीं है। और फिर हजरत उजैर के वाक्य के बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया ना, हजरत उजैर के वाक्य के बाद तो जब कहा ना कि या अल्लाह मुझे शक नहीं है, मुझे हाँ ये होता कैसे, आई वांट टू सी इट, आई वांट टू सी द प्रोसेस। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है लेट जा, कब्र खोदी लेट गए। वो गधे वाला जो वाक्य, गधा भी साथ था, खाना भी पड़ा हुआ था, और उजैर कंपोज हुए और फिर रिकम्पोज हुए। मगर ये मैं बता दूं कि जो जो आखिरत के दिन के बाद की जो जर्नी है ना, इसके ऊपर मैं आपको फिर बता दूं, ये मेरी राय है, मेरी राय है, क्योंकि काफी चीजों के बाद मैं इस्तदलाल जो है ना वह हदीस से ही कर रहा हूं। राय है जब अल्लाह ताला ने कहा ना यौम तबद्दुलुल अर्द गैरुल अर्द, इंटरप्रिटेशन ही है सबकी अंदर, यौम तबद्दुलुल अर्द गैरुल अर्द। तो जब अल्लाह ताला ने कहा कि यौम तबद्दुलुल अर्द गैरुल अर्द का मतलब ये था कि अल्लाह ताला इस जमीन को बदल के किसी और जमीन से, इस टेरेस्ट्रियल प्लेन को बदल के किसी और टेरेस्ट्रियल प्लेन से कर देंगे। फिर एक और हदीस है दोज़ख में उसकी का एक कंधे के और दूसरे कंधे के बीच में ओहद का पहाड़ तक आ सकता होगा, इस साइज के होंगे। फिर जन्नत के बारे में भी रवायात हैं कि एक इंसान का जो कद है ना वो बहुत लंबा होगा, 35 गज तक के बारे में मैंने पढ़ा है, खुद पढ़ा है, मगर ऑफकोर्स वो ऐसी रवायत नहीं थी जो कि जिसकी सनद मेरे पास कभी तौर पे आई हुई हो। मगर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो पता चलता है कि आखिरत के दिन और जन्नत और दोज़ख की लाइफ एक अलग अलग चीज़ है, काफ़ी चीज़ें ऐसी लगती हैं। और हमारा जो आखिरत का दिन है वो इधर ही कहीं पर होना है, ठीक है, मगर जन्नत और दोज़ख की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आसमानों में कहीं पे होनी, ठीक है, क्योंकि कुरान पाक की आयत भी है कि के लिए आसमान के दरवाजे खोल जाएंगे, दोज़खियों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। दीज आर थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द बॉडी एज फार एज आई कैन थिंक, बोलो आलम, कि इंसान अभी ये वाला, फिर इंसान जो दोबारा उठाया जाएगा वो वाला, और फिर जो इंसान जन्नत में पाया जाएगा वो वाला। ये तीनों के तीनों जिस्म जो है ना, इनकी इतनी काफी है हमारे पास शवाहिद के हम कह सकें कि यहाँ वाला तो शायद एक ही हो, वहां वाले में फर्क होगा। सही है, मैं सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जब मैं लिया ना, मैं जो लिख रहा हूँ कॉन्शियस तो बताया था मैं पहले ही, मैं बहुत सेल्फ प्रमोशन भी कर रहा हूँ बार बार, लेकिन मैं लिख रहा था उसमें ना मेरी पता है मैंने उनके ये वेस्टर्न दीपक चोपड़ा टाइप लोगों की मैंने थोड़ी वीडियोस देखी उनके पर्सपेक्टिव देने के लिए, भाई ये क्या चाहते कहते हैं कॉन्शियसनेस को। मैं कह रहा था मैं कॉन्शियस पर सर्च कर रहा था, तो मैंने सर्च में ही क्या कहते हैं थोड़ी बहुत ही उनकी भी वीडियोस देखी इनकी, ये भाई ये क्या कहना चाहते हैं दीपक चोपड़ा टाइप लोगों की, दीपक चोपड़ा टाइप लोगों की, हाँ ठीक है, इनका पर्सपेक्टिव देने के लिए। मैं जो अभी तक जो वही बात है कि अल्लाह के वो है, इसमें ना कोई इंटरप्रिटेशन दिया सारी, इसका कोई डायरेक्ट वो नहीं है। इवन अल्लाह ताला ने कल्ब भी कहा है कि कल्ब का भी पूरा सिस्टम है कि भाई जो कल्ब दिल के अंदर जो रूहानी कल्ब है उसका क्या सिस्टम है, और फिर रूह भी है या जो रूह क्या है। तो मैं सोचा था क्या रूह की कॉन्शियसनेस है, क्या दिमाग का हिस्सा है, कल्ब का हिस्सा है, रूह है। जो कहीं पर जब मैं वो की कि भाई ये वाली बॉडी अगर डिके हो जाएगी और रू जाएगी ऊपर, ठीक है, तो चलो ये भी रहने दे, अभी जो कोई बंदा यहाँ मरता है, ठीक है, वो जाता है पोर्टल से, कब्र से पोर्टल खुलती है, बर्ख पहुंच जाता है, ठीक है, उसको याद सब कुछ होता है, दिमाग तो उसका यहाँ मर गया है, डेड सेल हो गया है। तो क्या मैं ये कह रहा था कि जब तो रू ही एक्चुअल वो हो, इस तरह मशीनरी हो, इसमें इंजन हो रू का, और रू निकल गया तो इंजन फारे कि उसका इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मेमोरी तो उसको भी होती है, मेमोरी तो जो ये तो है ना कि जो बरसक में बंदा गया रू गई है उसको मेमोरी तो ऐसा रही कि कौन है कौन नहीं है, तो दिमाग तो यहाँ चला गया उसका, मेमोरी कहाँ से आई। ये इस तरह के ना मैं कर रहा थोड़ी सी मैथमेटिक्स जो है ना, जो हमारे पास मैथमेटिक्स है उसके मुताबिक एक शक्ल बन जाती है, नक्शा बन जाता है। एक तो ये सोचेंगे एक बंदा जो है ना वो 150 साल का मरा, और एक बंदा 15 साल का मर गया, ठीक है, सही है, हमारे सामने हो रहा है, एक 25 साल का मर गया है, तो एक बिल्कुल लागत। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब हशर में जब सारा 50,000 साल का दिन होना है, ठीक है, तो उधर एजिंग नहीं हो रही होगी किसी की, ये कॉमन सेंस का तकाजा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन किताब हो रहा होगा उस दिन कोई 99 साल का बाबा ऐसे खड़ा हुआ नहीं होगा कि सर मैं तो बुढ़ा मरा था, और एक 15 साल वाले का तुक्का लग गया जवान हुआ भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सब के सब एक ही एज के अंदर क्रिएट किए जाएंगे, रिक्रिएट, जैसे वो एक ही एज में क्रिएट किए जाएंगे, तो कॉमन सेंस ये वाला ब्रेन इस्तेमाल नहीं हो रहा, मेमोरी का जो हिपोकैम्पस है वो रिक्रिएट जीरो से स्टार्ट हो रहा है।
मैं भी कहीं और स्टोर हो रही है, तो हदीस में बताया ना कि फरिश्ते जो है ना वो एक एक चीज लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। टेक्निकली अमाल आपके मेमोरी की मोहताज है ही नहीं, जिनके ऊपर टेस्ट होना है, और इसलिए आपके जिस्म के अज़ा बोलेंगे कि तू ये करता था, तू ये करता था, तू ये करता था, ठीक है, क्योंकि आप सारा कुछ जो अमाल जो रिलेटेड टू जो सवाब गुनाह की मैट्रिक्स है, एक एक चीज, हर चीज ही हमारे या तो सवाब में या गुनाह में, सो तमाम तर अमाल जो मेमोरी के रिलेटेड हैं वो सारे के सारे फरिश्तों ने अपने पास रख लिए हैं। जैसे आप मरेंगे उसके बाद जब नई बॉडी भी क्रिएट होगी, फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल फ्रेश बॉडी से क्रिएट किया जाता हूँ, बिल्कुल जीरो मीटर ब्रेन सब कुछ, मगर इसी एज में, तो मैं उस वक्त सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो रूह वापस मिलेगी कि ये ले जितनी तेरी जो शनाख्त है ना आइडेंटिटी वो तो तेरे सामने आए। अब मैं ये कहूँगा कि मेरे तो हिप्पोकैम्पस में वो मेमोरीज ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा था, इतने फरिश्तों ने फिर वो सारा रीइंस्टॉल करने के, ये ले तेरे तमाम तरह माल, अच्छे वाले भी बुरे वाले भी, ठीक है। तो अल्लाह ताला भी आपके ना बिल्कुल सामने आके अल्लाह ताला आपको बता रहे हो कि तूने किस लम्हे में क्या किया, किस लम्हे में क्या किया, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू यू नो इट्स अ फ्रेश बॉडी गेटिंग ऑल द लोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ माय लास्ट बॉडी। एक बंदे को एमनीजिया हो गया, परमानेंट एमनीजिया हो गया, ठीक है, वो 97 का था, उसको दुनिया में नहीं कोई याद रहा, वो मर गया और उसको वही वाला दिमाग दोबारा मिला, तो कहेगा यार मुझे तो कोई याद ही नहीं, मैं तो दुनिया में भूल गया था, आपने अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉडी दैट इज गोइंग टू बी गिवन टू एंड वेरी यू नो वेरी डिफरेंट स्टेट दैट वी विल बी इन। ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस की स्टेट वही रहेगी, मगर जिस्म का जो रिक्रिएशन हो रही है वो एक फ्रेश एंड वेरी सिंपल सिंपल वन लाइनर पर्पस स्टेटमेंट, सिंपल पर्पस स्टेटमेंट क्या है कि डस सोल कंटेन मेमोरी? आई मेमोरी ऑफ इवेंट्स, क्यों मेमोरी ऑफ ऑल द इवेंट्स, हां मेमोरी ऑफ ऑल द इवेंट्स एंड ऑल द कॉन्शियसनेस ऑफ द द ह्यूमन बीइंग इज टेक्निकली the matter of the soul. ये मैं आपको, चलिए मैं आपको उसका फॉर्मूला बताता हूँ जहां तक मैं पहुंचा हूं। जो अल्लाह ताला ने नूर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर दिया ना, नूर का that has the key. आदम के किस्से में पता है ना, माथे पे अल्लाह ने नूर लगाया और कहा सजदा करो इसको, नूर लगाया तो वो रूह फूंक दी अल्लाह ने, अब वो रूह फूंकी अल्लाह ने फूंकी है ना रूह, तो जाहिर है वो नूर का एक एम्बॉडीमेंट हुई है हमारे अंदर। ऑब्वियसली हम अल्लाह का नूर नहीं है, मगर अल्लाह की तरफ से दिया गया नूर है हमारा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि वी आर ए डिफरेंट क्रिएशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द क्रिएटर, ओके। वादतुल वजूद का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। सो वी वर गिवन अ टोटली डिफरेंट नूर। हाउएवर सिंस ऑल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स को अल्लाह ताला ने इंसान बोला है, ठीक है, मगर समा को समावाद के साथ प्लूरल किया है, अर्ध को प्लूरल करते हुए भी अल्लाह ने अर्ध ही बोला है, इसका मतलब है जितना भी टेरेस्ट्रियल प्लेन है वो सिंगुलर एलिमेंट का एक मुरक्कब है, और जितने समावात है उसके तमाम हर आसमान के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और बिल्कुल इसी हिसाब समझ आ रही है कि इंसान जितने भी हैं सब के सब सिंगुलर एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट है। मतलब अगर कार्बन का एलिमेंट आप देखेंगे तो दुनिया, आप अमेरिका में भी कार्बन का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही मिलेगी, वही वाले आइस जो है ना उसके एटम, उसी तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर होगा कार्बन का भी। पाकिस्तान में भी कार्बन की वैलेंसी 4 ही मिलेगी और वही 4 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होंगे। बिल्कुल इस तरीके से नूर को भी आप देखेंगे ना, नूर को भी, तो नूर इज ए सिंगुलर एंटिटी और रूह इज द यूनिट ऑफ दैट एंटिटी। रूह जो है वो सिंगल एटम है, मेरा जो जिस्म है ना ये ट्रिलियन एंड ट्रिलियन एटम्स है, ठीक है, ये कार्बन एटम्स हम सारे, जिस्म जो है वो कार्बन एटम्स है, मगर रूह जो है नूर का एक एटम है। रूह इंसान को जब भी मसाहिल अदीम को जो एक एटम मिला हुआ है रूह का, अब रूह का जो एलिमेंट है जो एटम है वो एक है, इसलिए जब हम पूरे सरास से गुजरेंगे ना तो हमारा जो एटम है ना वो स्प्लिट होगा। अल्लाह ना करे ऐसे हो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बताया कि इनका एटम स्प्लिट होगा और इनके दाएं तरफ और सामने की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो एलिमेंट स्प्लिट होगा तो हम अपने आप को, मतलब दैट इज द पीक ऑफ द मिजरी, कि मेरी अपनी शनाख्त ही टूट गई मेरे से, और उस वक्त अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग फरियादे करेंगे, या अल्लाह हमारा नूर मुकम्मल कर,
क्योंकि पूरे सिरात से नीचे खींचा जा रहा है उसका नूर, वो दाईं तरफ से कोई फोर्स आ रही है और फ्रंट से फोर्स आ रही है जो कि मैग्नेट की तरह नूर को खींच रही है और थोड़ा सा मेरे पास बच रहा है, बाकी का टूट के जा रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, जब वो इस बॉडी में इंस्टॉल की जाती है तो हमें लगता है कि मेरा हाथ भी मेरा ही जिस्म का हिस्सा है, मगर हाथ के बगैर ही मैं साहिल ही हूँ। आंख निकाल देंगे तो साहिल ही रहूंगा, नाक काट देंगे साहिल ही रहूंगा, टांगे काट के साहिल ही रहूंगा। कौन सा हिस्सा है मेरा जो कि निकालेंगे तो साहिल नहीं रहूंगा? सोचने वाली बात है। इसका मतलब है जिस्म के ऊपर वो क्वालिफिकेशन आती नहीं है, वो रूह के अंदर से कुछ भी निकालेंगे तो मैं साहिल नहीं रहूंगा, क्योंकि रूह सिंगल एटम है, जिस्म मल्टीपल मुरक्कबात का हिस्सा है। सो आई यू कैन इवन से साहिल का हाथ कट गया, मगर ये साहिल का हाथ है, इट हैज एब्सोल्युटली नो वैल्यू के वो साहिल का हाथ है जब तक के वो साहिल के साथ अटैच नहीं है, वरना वो एक हाथ है बस, वो किसी का भी हाथ है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर जैसे ही चले हाथ में तो फिंगरप्रिंट्स है ना, लोग कहेंगे नहीं नहीं हाथ साहिल का हाथ तो शनाख्त रखता है, आप मेरा जिस्म का कोई और हिस्सा लो थोड़ा निकालें हाइट पे रखें, क्या करूंगा उसका? इट हैज एब्सोल्युटली नो वैल्यू ऑफ नो आइडेंटिटी यू नो वर्थ मेंशनिंग, बट एज सून एज यू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूह आपको साफ समझ आ जाती है कि रू इज व्हाट वी आर, आवर कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट समवेयर एल्स, एंड दिस इज व्हाई नो मैटर व्हाट हैपेंस टू द बॉडी वी डू नॉट लूज द कोर्स ऑफ द पर्पस, नो मैटर व्हाट हैपेंस टू द बॉडी, बट एज सून एज एनीथिंग हैपेंस टू द नूर द रूह वी लूज द कोर्स ऑफ पर्पस ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि यार ये बाकी कहानियां तुम कर लो, हिदायत वाला सिस्टम मेरे पास ही है, जिस रूह में मैंने कनेक्शन डाल दिया है उसको समझ आ रही है क्या 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 आगे क्या कहानी है। मेरे पास सवाल बड़े हैं, मैं चलो ना थोड़े ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग करने के लिए एक सवाल पूछता हूँ। आपके पास टीनेजर आया कोई, ठीक है, मैं लिटरली सोच रहा हूँ अच्छे अच्छे सवाल ही पूछता हूँ, इस सवाल की पूछ रहा हूँ। खैर चले, अगर मैं टीनेजर आया एक 11 साल पर बहुत डिप्रेशन हुआ पड़ा है, बहुत बहुत दिल नहीं लगता, मैं ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हूँ, मुझे पता है क्या करूँ मैं, अब क्या कहेंगे? ये किसी ने आपसे पूछा ये सवाल कि आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ गया कोई? मुझे तो करते रहते वैसे, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बस कोई आया ऐसा टीनेजर आ जाए ये पूछा है, टीनेजर आता है तो फिर क्या जवाब? ठीक है, टीनेजर आता है तो फिर तो कोई बड़ा मसला नहीं है, चलिए 20 साल का हो गया, किसका हो गया? नहीं, मतलब इन द अर्लियर एज ऑफ हिज लाइफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में होना तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, काश के सारे ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाए 20 साल में 30 साल में। इस बंदे को तो मेरे ऊपर तो मुझे रश्क आता है, उसको उसको अपनी तरीके का बना के मोटिवेट ना कोई कर दे, अल्लाह बचाए उस बंदे से, क्योंकि कोई ऐसा बंदा सही में आया हुआ खुल गया हो कि अल्लाह मुझे बता क्या करूं, और एक बंदा आया फिक्र नहीं कर मेरे जैसा बन जा, ये तो एक काबिल रश्क स्टेट है कि एक बंदा कहे, वो भी अर्ली 20s में या टीन्स में या लेस जैसे अर्ली 30s में, वो भी लेट हो गया मगर चले अर्ली 30s में, मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ गया। That is the state everyone should be in every few years. चल मैं इसको और सिंपलर कर देता हूँ, डिप्रेशन हुआ है, ठीक है, आपके साथ में डिप्रेशन हुआ है बहुत ज्यादा, डिप्रेशन हुआ है मुझे बहुत ज्यादा, ठीक है, क्या करें, हील करें मुझे, क्या डिप्रेशन जो है ना एक जेनेरिक वर्ड है, जैसे कोई कह रहा है मैं ना खुश हूँ, जेनेरिक वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है बहुत। अब मैं किसी भी डिप्रेशन किसी भी बंदे के साथ, मैं उसके साथ ना पहला 2 या 3 घंटा लगाऊंगा खाली उस कैटेगरी में एंटर होने के लिए कि जिस कैटेगरी से उसमें को लगा है कि वो डिप्रेस है। 90% ऑफ द कैटेगरीज के अंदर ये जो ये लव्स ऐसे परफेक्टली फिट होता है मगर लोगों को उन कैटेगरीज का पता ही नहीं होता। सो लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन कि बंदा डिप्रेस है, फिक्र ना कर, नमाज पढ़ा कर, कुरान पाक पढ़ा कर, इससे कुछ नहीं होना उसको जब तक ये नहीं पता कि उसकी कॉज ऑफ डिप्रेशन क्या है। वो कहेगा सर मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, आप मुझे नमाज की बात कर रहे हैं, मैं तो नकली रोजे रखता हूँ, सो आप कोई और ही कहानी, आपको तो बेसिक नमाज के ऊपर ही आप लोग मेरे ऊपर लगाने की बात करें। सो यू कैन जस्ट यूज दिस वर्ड इन ए एब्स्ट्रैक्ट वे एंड स्टिल गेट अ स्पेसिफिक आंसर आउट ऑफ इट। हाउएवर मेजर कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए डिप्रेशन की। सबसे पहले तो इंसान को अपनी जो है ना सेरोटोनर्जिक वैल्यू, डिप्रेशन का फॉर्मूला बताता हूँ आपको। मेरा ना दिमाग हर वक्त, दिमाग जहन नहीं, दिमाग
माँ के अंदर एक केमिकल है जो कि सर्ज करता है हाई और लो के ग्राफ के अंदर, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे ही वो केमिकल सेरोटोनिन का नीचे होता है मैं डिप्रेशन की फीलिंग में आता हूँ, जैसे ही ऊपर होता है मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ, हैप्पी एंड यू नो फुल ऑफ एनर्जी एंड पैशन। वो नीचे क्यों आता हूँ, वो नीचे तब आता हूँ जब मेरा जहन, अब मैं जहन पे आ गया, मेरे जहन में बचपन से या जब भी जिसने भी मुझे इन्फ्लुएंस किया हुआ है, जो नक्शे में जो स्टेटस जो है ना मेरे जहन का, फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसे बहुत बनाने हैं तो कोई एक नक्शा मेरे जहन में आ गया कि मैंने ऐसा बनना है। वो नक्शे में क्या पता घर हो, गाड़ियाँ हो, क्या पता कोई बंदा हो कि मैंने ऐसा बनना है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको खुदाई करके पहुंचना पड़ता है उस तक, ठीक है। सो जैसे ही मैं अपने उस अल्फा के, जो भी अल्फा है, चाहे वो घर है या बंदा है या टॉम क्रूज है या कोई तारिक जमील साहब है, आरोन कुछ भी हो सकता है, जैसे ही वो बंदा अपने अल्फा से दूर होता है, ठीक है, और लोग कहते हैं तू वैसा नहीं, ऐसा है तू, तेरे अंदर ये चीज है, और वो आपको पता चलता है कि मेरे अल्फा में नहीं है, बुराई की तरफ जा रहा हूं मैं, मतलब मेरा गैप पड़ रहा है मेरे अल्फा से, जो भी अल्फा है मेरा, ठीक है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो गुड लुकिंग मैन है, चाहे वो हीरो है, फिल्म का एक्टर है, कोई कोई सिंगर है, या फिर कोई सहाबी है, कोई कुछ कुछ भी एनीबॉडी, जैसे ही जेन में आपका जो भी हीरो है उससे आप दूर हो रहे होते हैं तो आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, सेरोटोनिन कम हो रहा होता है, और जैसे ही आप उसके करीब आ रहे होते हैं तो आप डिप्रेशन से दूर हट रहे होते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है आपका। अब मसला ये होता है कि आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं पता वो किसको किसके गिर्द तवाफ करते हैं, तो फिर आपको प्रॉपर डेटा गैदरिंग करनी पड़ती है, ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं जो उसको खुद भी ना पता हो कि वो मैंने उसको ट्रिक करके वाला सवाल का जवाब निकलवा लिया कि उसका बेसिक मंदिर में बुद्ध कौन किस शक्ल का पड़ा हुआ है, क्या पता कोई कोई काम की चीज चेस करना चाह रहा हो। ज्यादातर ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो नबी अलैहिस्सलाम को अल्फा बनाता है उस पर डिप्रेशन कैसे आएगी, वो तो जैसे ही गरीब होता है उसको खुशी होती है कि मैं एक और सुन्नत पूरी कर ली। नबी अलैहिस्सलाम के भी घर में फाके थे, मेरे भी घर में फाके, ठीक है, ही कैन नॉट बी डिप्रेस्ड। नबी अलैहिस्सलाम को के जो फाइनेंशियल हालात थे अल्लाह ताला ने बाय डिजाइन रखे हुए थे, अल्लाह ताला के यहाँ तुक्के नहीं है। जो नबी का फॉलोअर होगा वो कभी भी इस बेस के ऊपर दुनिया के अंदर इन्वॉल्व हो सकता कि यार नबी अलैहिस्सलाम की वजह से मैं इतने भरे घर और गाड़ियां और ये बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही वो फुकर में आएगा ऑल ऑफ अ सडन उसका अल्फा नहीं हिलेगा, दुनिया बेशक उसकी हिल जाए अल्फा नहीं हिलेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया के उस जगह के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को एस्टैब्लिश किया कि दुनिया का हर बंदा नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो कर सके, अमीर भी, अमीर तरीन भी, गरीब भी और गरीब तर भी। सो डिप्रेशन नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करके आ नहीं सकती बिकॉज ऑफ व्हाटएवर वर्ल्डली अफेयर्स दैट यू गोइंग थ्रू। हाउएवर रिलेशनशिप डैमेज में डिप्रेशन आती है, बीवी के साथ मसले हो गए डिप्रेशन आ सकती है, माँ बाप के साथ मसले हो गए डिप्रेशन, इसका आपके अल्फा स्टेटस से ताल्लुक नहीं होता। सेरोटोनिन तब कम होता है जब एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्रॉम द पीपल भी आपने ज्यादा रखी हुई, और इंसान के पास में तो है नहीं किसी इंसान को खुश करना, तो होता क्या है फिर इंसान फिर डिप्रेशन में, देन यू एक्चुअली गेट बोथ ऑफ दोस कैंडिडेट्स इन एंड देन यू रन अ कैलिब्रेशन कि यार जो मुझ मर्जी कर लो, अपनी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो अलाइन करो जो रियलिटी से दूर तो नहीं होंगी। दुनिया के 90% पेशेंट्स जो कि डिप्रेशन ऑफ बिहेवियर रिलेशनशिप में होते हैं वो बेसिकली अपनी वजह से डिप्रेशन में होते हैं, कि उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन रखी होती है इंसानों से कि जो कि पूरी इंसान कर नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी भी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे आपके और मेरे बारे में ये फैसला कर चुके हैं, उनका दिमाग कर चुका है, हमारी साइकोलॉजी है कि हमें पता नहीं क्या क्या चीजें पता है, कितने बड़े मौलम है तो दुनिया में सारे, अब दुनिया का हर सवाल का जवाब देना हम दोनों पे फर्ज हो गया उस बंदे के सामने जो बंदा ये सोच रहा कि हाँ दे नो एवरीथिंग, बिकॉज ब्रेन एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम है ना जो ब्रेन का, वो सिर्फ बुलियन में सोचता है, जीरो और वन का बाइनरी सिस्टम है, या तो बंदे को सब कुछ आता है या कुछ नहीं आता, या बंदा मोमिन है या काफिर है, या बंदा आई लव हिम और आई हेट हिम। सो लिम्बिक सिस्टम ऐसे है, जो कॉन्शियसनेस है ना रैशनल है वो ग्रेडिंग करता है कि नहीं भाई हर इंसान अच्छा भी होता है उसके अंदर बुराइयां भी होती है, हर इंसान में इल्म भी होता है उसके अंदर जहालत भी होती है, हर इंसान के अंदर नेकी भी होती है उसमें बदी भी होती है। सो किसी भी पीर को पीर ना बना लें कि वो कुछ गलती नहीं कर सकता, और अगर एक भी गलती की तो उस बंदे को कत्ल का फतवा लगा दिया। हर चीज हर इंसान के अंदर बैलेंस में रखो, ये कॉन्शियसनेस का पहला स्टेप है ना कि इंसान जो है ना उसको रैशनलाइज करे कि एवरी ह्यूमन इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग यू एवरीथिंग, और डिप्रेशन होता भी रिलेशनशिप में इसी वजह से। लिम्बिक सिस्टम में हर चीज कि आप मेरी बीवी हैं तो दुनिया के सारी अच्छाइयां आपके अंदर होनी चाहिए, सारी ताबेदारी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए, और जैसे उस बेचारी के अंदर कोई मसला आता है ऑल ऑफ अ सडन उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली नहीं सोचते कि वो भी इंसान है, या शोहरों के साथ भी हम बीवियाँ ऐसे करती हैं, लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल होती हैं
तो लड़कियां ज्यादा डिप्रेशन में जाती हैं कि मेरा शोहर तो मेरे साथ बस सिर्फ जुल्म ही करता रहा, सिर्फ जुल्म ही करता रहा। और जब अब पूछे उनसे डेटा लें तो पता चलता है और साल में एक दिन उस बेचारी को, उस बेचारे ने उसको उस महीने की तरह पैसे कम कर दिए थे, उसने पिछले 15 साल जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए कि इस बंदे से तो कभी पैसे मिले ही नहीं। सो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर एंड दिस इज हाउ द लिम्बिक सिस्टम वर्क्स। तो आपको लिम्बिक सिस्टम से निकाल के जरा सा फ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर लेके आना पड़ता है कि रैशनल लेके आओ भाई, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम व्हेन इट कम्स डाउन टू ह्यूमन बीइंग्स। टॉकिंग अबाउट फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड रैशनल, एजुकेशन सिस्टम पे भी दो चार लफ्ज बोल रहे हैं, दो चार बातें करते हैं क्या है, चूंकि बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। अच्छी बातें हो रही हैं, क्यों क्यों अच्छी बातों में क्यों एजुकेशन सिस्टम। चलो चलो मैं ऐसे लिखवा देता हूं अपना, ये सिस्टम जो है ना ये डिजाइन किया गया है टू डिजाइन, ये किया गया कि इंसान ज्यादा ना सोचे, बस एक लाइन में ये काफी है। कॉन्शियसनेस के टॉपिक के अंदर एजुकेशन सिस्टम को डालना ऐसा ही है जैसे कि आपने मस्जिद के अंदर आपने बुध डाल दिया हो, एक बुध आपको डिस्कस करें, मगर पता होना चाहिए सबको कि अगर आप एक बच्चे को स्मार्ट आईक्यू हाई थिंकिंग लीडरशिप बनाना में डालना चाहते हैं, उसके बाद आप उसको फॉलोअरशिप कोई नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने हिप्पोकैम्पस को इस्तेमाल करके आपने पेपर देने हैं, तो फिर आपका बच्चा 15-20 साल जब इस तरह की ट्रेनिंग लेगा कि जिसमें उसका आईक्यू सिर्फ कम ही हो रहा हो, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन मत रखें कि वो बंदा बड़े काम करेगा। और कोई ये बंदा सोचे ना कि बड़े काम तो किए ही पढ़े लिखे लोगों ने, तो उसको पता ही नहीं है फिर दुनिया का, उसको समझ ही नहीं आई दुनिया का। सही है, इतना काफी है। सूरल कौसर इन्ना तो इन्ना कल कौसर, कौसर के हर अपने, हर मुफसर के अपने तर्जुमा है, ठीक है ये, और यहाँ पे वो भी है, सेक्ट का भी अपना अपना है। कुछ शिया ब्रदर कहते हैं कि कौसर जो है फातिमा को कहा जाता है कि तुम्हें हमें फातिमा दे दिया मोहम्मद, ठीक है। कुछ कहते हैं कसरत, ठीक है कसरत ऑफ एवरीथिंग, तो कुछ कहते हैं वो पानी है वहाँ पे जन्नत में वैली एक है वो कौसर है। तो कौसर क्या है आपके लिहाज, आपकी इंटरप्रिटेशन? जो पानी के ऊपर कसरत है ना, ये दोनों को मिला देना, पानी के ऊपर जो कसरत है वो कसरत किस है? नबी अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट हदीस है कि मुझे उस दिन अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र होगा। इंसान का जो पर्पस ना, हम छोड़े इस वक्त दुनिया को जरा पॉज कर दें, दुनिया बनने से पहले चलते हैं जरा एक मिनट के लिए, आपको कौसर का मतलब समझ आता है। जब दुनिया बनी नहीं थी अभी और अरवा में वादा लिया जा रहा था और अंबिया को मनसब दिया जा रहा था, तो अंबिया को क्या मनसब दिया जा रहा था कि कौन कितने बंदों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, याद रखिएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई किसी किस्म के यहूदी नसरानी करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम अंबिया की लिस्ट बनाएं तो मैट्रिक में सबसे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली? आखिरी नबी को, ठीक है, आखिरी नबी को मिली है, क्योंकि हर नबी के बाद किसी और नबी ने आके वो जो है ना मशल पकड़ लेनी है, नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी ने मशल नहीं पकड़नी। सो जितनी भी क्यामत तक की अवाम है उन सब का जिम्मा नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा कि मुझे उस दिन अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र होगा, ठीक है। सो हौज़े कौसर द फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट, जहां पे आके पता चलेगा कि भाई या रह गए या तर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वहां पे जब कसरत, कौसर कसरत का मतलब है कि कितने बंदों को पानी पिला रहे होंगे नबी इस्लाम, जिसी तरीके से इस बंदे को क्लेंज कर दें, ठीक है। सो वो क्यों क्लेंज कर दें? बिकॉज जो अगला स्टेशन है ना उसमें वो बगैर क्लेंजिंग के आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो किसी और दिन टॉपिक में कवर करूंगा मैं। ये जो हौज़े कौसर के बाद वाला जो सिस्टम है उसमें जब तक आपने वो कौसर का पानी नहीं पिया हुआ तब तक आपकी बॉडी के अंदर वो केमिकल मेकअप ही नहीं तैयार हुआ, अगले स्टेशन के लिए आपकी बॉडी नहीं सेट हुई थी। इट्स नॉट जस्ट पानी पी लिया प्यास लगी हुई थी, इट्स अ टोटल, जैसे हजरत आदम ने वो जो दाना खाया था ना बिल्कुल उसी मैट्रिक्स में रखी इसको। हजरत आदम का तो दाना खाया था, चलिए वो तो मना हुआ था, मगर उस दाने में जो ताकत थी वो क्या थी? हजरत आदम ने जैसे हजरत हवा ने दाना खाया तो अगले सेकंड में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एकदम अपने ऊपर पत्ते और अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया दोनों ने, ठीक है। सो इसका मतलब है कि प्रोजनी क्रिएट हो गई है, जैसे वो दाना खाया प्रोजनी क्रिएट हो, अब अमल शुरू हो गया बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि बॉडी चेंज हो गई है, बॉडी के अंदर केमिस्ट्री चेंज हो गई है वो दाना खाते ही। बिल्कुल इसी तरीके से हौज़े कौसर पर पानी पीते ही हमारी जो है ना हमारी केमिस्ट्री चेंज हो गई। सो दैट्स समथिंग विच इज अ रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट जस्ट के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने
जो है ना इज्जत दे दिया कि अल्लाह की तरफ से कि हाँ ये लोग तुम्हें शफात मिलती, मगर आगे जो काम होना है बिल्कुल जन्नत की लाइफ स्टाइल का, जन्नत की लाइफ स्टाइल का, वो उसके लिए बेहद जरूरी है कि हमने वो हमने वही वाला कोसर वाला पानी पी लिया। वो अब ये बड़े मजे की कनेक्शन बना है एक के आप उसी बात से वो दाना खाने से हाजत आई है और वो पानी पीने से हाजत खत्म हो गई है। बस आपको आपको समझ आ गई है, मैंने आपसे कहा ना किसी और दिन लंबा करेंगे, आपको आपको मैथ समझ आ गई सर। सो द रियल थिंग इज के कोसर जो है ना कोसर वो जिस तरीके से हमने मिलियंस और बिलियंस लोगों से भरनी है ना वो है असल में उस बात का जवाब जिसकी शान नजूल के अंदर तरतीब बनाई हुई है अल्लाह ताला ने। जब सूरह कौसर आई है ठीक है, हज़रत इब्राहिम के फौत होने के बाद आई ना, नबी इस्लाम के जो बेटे थे हज़रत कासिम के, तो इन दोनों में से एक के, तो जब अरब ने कहा ना कि इसकी तो नस्ल ही नहीं है, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं तुझे दिखाता हूँ कि तेरा ओरिजिनल पर्पज़ था वो कितने बंदों को पहुँचाने का था, ये लोग जो हंस रहे हैं ना कि क्या होगा, तू बस नमाज पढ़ और मन हार ना सीने पे हाथ बांध, मन हार होता ना सीने पे हाथ मान, तो फसल ले ली रबी का वन हर की बस तू जस्ट बी हम्बल टू गॉड के देख तुझे मैंने क्या दे दिया। नबी अस्सलाम को फिर वो वाला विजन दिखाए गए कि जिसमें बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स आर कौसर को ना इल्म में गैब से भी इंटरप्रिटेशन आते हैं, कौसर गैब का इल्म भी है। नहीं मगर ये तो एक बहुत ही बहुत बड़ा स्ट्रेच ऑफ लॉजिक ही होगा जिसने कह दिया कि कौसर गैब का इल्म है, क्योंकि अगर कौसर गैब का इल्म है तो सूरह कौसर के बाद नबी अस्सलाम के बाद के साथ वो वाकयात हुए जिसमें नबी अस्सलाम ने खुद कहा मुझे इसकी खबर नहीं थी, अल्लाह ताला ने सारा गैब का इल्म नबी अलैहिस्सलाम को दिया। काफ़ी सारे मतलब मतालब निकाले जाते हैं, मगर देखें जिस मतलब के ऊपर हमारी जो सेंस है वो पर्पस के साथ अटैच हो सकती है वो मतलब काफ़ी होना चाहिए हमारे लिए, बेशक इसके और भी मतलब हों अहले तशय्यों के यहाँ हों या फिर अहले हदीस के यहाँ हों। पॉइंट इज व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मीनिंग, द यूज ऑफ दैट मीनिंग इज वेरी क्लियर बाय हौज़े कौसर एंड कसरत ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की कसरत है, इतना यूजफुल मीनिंग है कि जिसके बाद मुझे किसी और मीनिंग की जरूरत जो है ना उस तरीके से नहीं है इसमें मेरी। मुझे जो मैंने पूछा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो इल्म है, मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म हो भी ना, चूंकि वक्त कुछ वक्तों में आया भी हुआ है तो मैं ऐसी बातें हैं ठीक है, तो ये नहीं है कि वो कॉन्स्टेंट है, चूंकि कॉन्स्टेंट होता तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश बन जाती है, रात को सोने पहले से पहले पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं, चूंटियों के ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, उसके वहाँ आसमानों की बातें चल रही हैं, आगे बातें चल रही हैं, गैब का सारा इल्म। तो मैंने नबी मैं ये कह जा रहा हूँ, तो मैंने कहा आराम से बल्कि वो आया था नबी सल्लम का। नहीं तो अल्लाह सूरह जिन में अल्लाह ताला ने बताया ना गैब का पूरा कॉन्सेप्ट, जितना अल्लाह ताला की मर्जी है उतना दे दिया कुल इल्म। देखें ये याद रखिएगा, जब कोई बंदा ये कहता ना कि नबी इस्लाम के पास गैब का इल्म है, तो मैं उसे ये पूछता हूँ कि क्या कितना इल्म है गैब का, जितना अल्लाह के पास है? बस ये पूछे हर मुसलमान को तो कोई भी नहीं मानता उतना, तो कोई भी तो किसी के पास नहीं मानता, तो बस कोई भी मुसलमान ऐसे नहीं मान सकता कि हाँ जितना अल्लाह के पास है उतना नबी इस्लाम के पास है। सो अगेन फ्रूटलेस डिस्कशन है कि नबी इस्लाम के पास कितना गैप का इल्म है, नबी इस्लाम के पास जितना भी इल्म है उसका कोई कहीं से शरीयत के ऊपर हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा कि इस वजह से हमें ये चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी। और थोड़े सही जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह थक थक तो नहीं रहे, तबीयत सर ठीक है? नहीं सर, मेरे पे अल्लाह ताला की तरफ से एक बचपन सी एक केमिस्ट्री जो मेरी है ना, मुझे मेरे पे तो 100-200 रोजे फर्ज है, मैं बचपन से ही कहता आया हूँ, मुझे इतना भूख ही नहीं लगती, मैं रमजान से पहले ना अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा निज़ाम होता है मेरी बॉडी खाना रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, तो यही को मैं मतलब किसी और गांव में पैदा हुआ होता तो लोग मुझे पीर मान रहे होते कि हैं ये देखो इसके साथ करामत होती है। बट इट्स अ माइंड थिंग आई थिंक मेरे जैसे जब तक मुझे याद है जहाँ तक तब तक मुझे एज फार एज आई कैन थिंक इन माई चाइल्ड हुड रमजान से कुछ पहले ही ना मेरा जिस्म बता देता होता था कि रमजान आने वाला है, क्योंकि मेरा मुझे भूख बिल्कुल जीरो पर चल जाती है, खाना खाता भी हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, सो मैं सिर्फ पानी पे ही रमजान में गुजार करता खाता हूँ इतना मैं जबरदस्ती मुझे ना अल्लाह की तरफ से अपना अपना सिस्टम होता है नाउज़ुबिल्लाह, मगर कोई ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, मगर जब वो चांद देखने वाली बात हो रही होती ना तो मैं मुझे जब भी पता लगा कहता ना चांद नजर आ गया कि नहीं, तो मैं ये सोच रहा था मेरी खाने की रूटीन चेंज हुई है कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा इतकाद हो गया हुआ है अपने केमिकल सिस्टम पे कि रमजान शुरू होगा तो खुद ही मेरा
जिसम जो है ना वो रिजेक्ट कर देगा खाने को। लंबे ऐसे ही गुजरते हैं जैसे कि आम दिन गुजर रहे मेरे इन टर्म्स ऑफ बॉडी ऑफ कोर्स। ये नो क्या तो कोई मतलब ही ना ले ले कि तू तो दिन को भी खाता है। जी अच्छा सही है। डोपामाइन के बारे में थोड़ा बता दे फिर सोच। मैं कहता हूँ इतने काफी में सेशन ताकि थोड़ी ऑफलाइन यार देखें डोपामाइन जो मेरा ख्याल है ना मेरा ख्याल नबी इस्लाम ने सहाबा को जब बिठा के कहा ना कि शैतान इंसान की नसों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून तो सहाबा ने कहा यार सुल्लाह नसों में भी तो नबी इस्लाम ने कहा हाँ मेरी नसों में भी फर्क ये है कि मैंने उसको अपने ताबे कर लिया। अब ध्यान में रखिएगा इसके दो तीन बड़े वाजे मतलब हैं। उर्दू को छोड़ दें उर्दू दानों को भी छोड़ दें दो मिनट के इसके जो सेंसिबल तीन चार अलग अलग कैटेगरी में मतलब निकलते हैं उनमें से एक बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो ख्वाहिशात की दौड़ है ये हर इंसान के अंदर शैतान उसी को यूज़ करता है। जैसे है ना रमज़ान में जो है वो शैतान को जकड़ लिया जाता है ठीक है उसका मतलब क्या था कि दो ही तो तरीके हैं शैतान के मेजर एवेन्यूज जहाँ से वार करता है। एक यू नो हिर्स के मैं कुछ भूख लगी हुई है खाना खाऊं और यू नो दूसरा वो जिन्ना की तरफ इंक्लाइन होता है। अल्लाह ताला ने ये दो चीज़ें ऐसी जो बंद कर दी रमज़ान में कुछ चांस ही नहीं है कि आप कर सकें ठीक है। सो ये शैतान के दरवाजे बंद करने का मतलब चेक करें आप बिल्कुल इस तरीके से। अब इस हदीस पर आ जाए क्योंकि सब्जेक्ट आपका डोपामाइन है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि खून में ऐसे दौड़ता है जैसे शैतान तो इसका ये मतलब लेना कोई ज़्यादा बड़ी क्या सराई नहीं है कि डोपामाइन जिस तरीके से ख्वाहिशात जो है ना सेल्फिशनेस और अपने लिए कुछ ले लूँ मैं मेरी तारीफ हो जाए मुझे कुछ कोई वो कर दे कि रिकग्नाइज कर ले कि मैं कुछ चीज़ हूँ मेरा फ़ायदा हो जाए मेरी जो क्यूरियोसिटी है तजस्सुस वो पूरा हो जाए ये सब डोपामाइन के मेजर चैनल्स हैं। तो नबी इस्लाम ने कहा कि मैंने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया है ठीक है जो मैंने उन पर कंट्रोल कर लिया है मुझे मेरे ताबे हैं वो मुझे लिया था। इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक आप डोपामाइन को नफ्स कहना चाह रहे हैं। वेल नॉट जस्ट नफ्स ना सी नफ्स से लवामा भी तो नफ्स ही है ना। सही है तुम्हें नफ्स लवामा का ये नफ्स लवामा वाला ना बात कभी वो समझ नहीं आई मतलब मुझे बैठी नहीं मेरे साथ कभी। पहली बात तो ये कभी इसकी कोई हदीस वगैरह खैर चले बाद में बात करेंगे आप बोले। या नफ्स इटसेल्फ डोपामाइन नहीं हो सकती ना नफ्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड नॉट द केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी। नफ्स इज लाइक a part of my entity, not the you know flow of water inside my blood through my brain. So nafs ki wajah se dopamine trigger hota hai, dopamine ki wajah se nafs nahi trigger hota, bas ye main aapko batana chahta hu. So what I'm saying is Allah Taala ne ye jo nizam rakha hua hai ye hamare andar nishaniyon ke liye surah fussilat mein likha na ki apne andar jhaank ke dekh nishaniyan dekh apne andar jhaank ke dekh rahe hain na hum अपने अंदर झांक के देखना सिर्फ ज़हनी वो तो नहीं है सोच के अंदर अपने जिस्म के अंदर भी तो झांक के देखें ना। तो हमें पता चल रहा है कि जितने भी सेल्फिशनेस और जितने भी शैतानी वो है ना हिर्स के और यू नो नार्सिसिज्म के एरोगेंस के किबर के जितने भी मामला आते हैं सब डोपामिन रिलेटेड है। तो प्रोकेस्टिनेशन फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा किसी काम का नहीं रहा इस वक्त इंसान किसी काम काज का नहीं रहा कोई भी चीज डिपेंडेबिलिटी में उसके नहीं आ सकती क्यों क्योंकि प्रोकेस्टिनेट कर जाएगा वो। सो और उसके ऊपर नबी सामने कहा ना मोमिन हर चीज कर सकता है मगर बदहदी नहीं कर सकता। हर चीज हो सकता है मोमिन नहीं हो सकता। सो बदहदी होती है प्रोकेस्टिनेशन की वजह से ज्यादातर ऑफ कोर्स बदनीयतों को तो छोड़ देना नियत वालों की बात कर रहा हूँ बेचारे मैं आपको बता रहा हूँ ना मैं तो अब मेरे बिजनेस में भी यही मसला आ रहा है मैं यूथ के ऊपर डिपेंड करना ही छोड़ दिया दफ्तर ही नहीं आते आते हैं तो काम ही नहीं करते इंटरव्यू भी देते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद भी नहीं आते क्यों उनको कौन उसको जगाएगा नींद से। प्रोकेस्टिनेशन इस लेवल पे चली गई है और लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है पाकिस्तान में यहाँ पे जब हम एम्प्लॉयमेंट खोलते हैं 10,000 जॉब्स खोली मैंने कि लोगों को पैसे मिल जाएंगे और लोग आते ही नहीं है हुई। इस लेवल तक पहुंच चुकी है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो व्हाट आई एम सेइंग इज शैतान है और क्या है ये डोपामाइन है। डोपामाइन की कहाँ से आती है बचपन से आईपैड पे हिले होते हैं वीडियो गेम्स के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर और पता नहीं क्या क्या काम करते हैं जो कि हर वक्त दो पैडिक्ट जो है ना वो कर रहा होता है। तो क्या किसी पुराने जमाने के चर्सी ने डोपामाइन पी जो आजकल के एक्सबॉक्स के
चीतों ने डोपामिन रखी हुई अपने दिमागों के अंदर, ठीक है, कंपैरिजन ही कोई नहीं। फ्रॉम 1. सम नैनोलीटर से लेके हम 400 नैनोलीटर तक पहुंच चुके हैं एक बंदे के अंदर। कोई मजाक है? ये तो जिस्म ही कोई और है, ये केमिस्ट्री कोई और है। ये इन लोगों के ऊपर आने हैं वो वाले मामला जो कि हदीसों में एंड ऑफ टाइम्स के आते हैं कि लड़की को देखी और रस्ते में ही पकड़ लिया। मतलब ये कैसे, वो डोपामिन की एक्सेसिवनेस है ना। हदीस देखें एंड ऑफ टाइम्स की, साफ समझते हैं डोप एडिक्ट ज़ॉम्बी, बस उसी वक्त इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाइट डोपामिन का वो है। और दूसरी बात, जितना ज्यादा डोपामिन को गोरा प्रोपगेट कर रहा है कि डोप लेके आओ, डोपामिन दो बच्चों को, इंसानों को डोपामिन दो, मोटिवेट करो, कि किस तरफ जा रही है, ऐसा ही है, सही है। तो वो इनबाउंड कर दिया ना इंसान को, इनबाउंड तो करना ही था, इंडिविजुअलिज्म का फलसफा करता ही इनबाउंड है। वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो हमेशा से इंडिविजुअलिस्टिक रही है, हम कलेक्टिविज्म वाले लोग थे, हम मुसलमान है यार लोगों का भला हो जाए, पूरा निजाम क्रिएट कर दो यार लोगों के लिए कर दो कुछ। तो जब आपको ये पता चले कि दो अलग अलग फलसफे टकरा रहे हैं, तो फिर डिप्रेशन भी आसमानों पर जाएगी, और जैसी डिप्रेशन आजकल है तो कभी भी नहीं थी। बच्चा कभी सोचा था बच्चा भी डिप्रेस होता है, कभी सोचा है ना? कभी उसके पास वीडियो गेम्स थी, ना उसके पास क्रिकेट के ग्राउंड थे, ना फुटबॉल, कभी उसने हाथ में पकड़ी थी, मगर कभी डिप्रेस नहीं होता था बच्चा। जितनी भी नज़में देखें ना 50 साल से पहले के शायरों की, हर कोई कहता है मेरे बचपन के दिन, और आजकल देखें बच्चे डिप्रेशन के मरीज होंगे। सो इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ डोप डायलेशन, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू सी थ्रू साइंस टू फाइंड आउट कि भाई हमने हार्डवेयर में चेंजेस की हुई है, सॉफ्टवेयर में नहीं की हुई, हमने हार्डवेयर तबाह किया इंसानों का। सही है। अच्छा, लास्ट टू क्वेश्चंस। एक तो जो हमने बुत बना लिए हुए हैं वेस्टर्न आइडियाज के, जो वेस्ट कर रहा है, जो वेस्टर्न फिलोसफीज है, जो वेस्टर्न थेरीज हैं, वो बहुत ही कोई ना गैबी किस्म की है, और ये इंसान जो है ना, ये हम लोग ऑब्सलेट हो गए हैं इस्लाम वगैरह। पहली बात तो ये है कि हम ऐसे कैसे मार्केट कर रहे हैं अपने इस्लामिक फिलोसफी को, इस तरह मशला कर रहे हैं इन ब्रॉड व्यू, ठीक है, अल्लाह आपको काम कायम बनाए रखे, आपको इस्तकामत अता फरमाए, ठीक है, बाकी कैसे और ज़्यादा आवाम ये चीज़ को वो करें, रेप्लीकेट करें, ठीक है, और इतना बेहतर करें, मार्केट कैसे करें। दूसरा सवाल, एनी एडवाइस फॉर मी बिफोर एंडिंग द ऑफिशियल लाइव सेशन। वेस्ट और ईस्ट कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये वही वेस्ट है जो कि अपने मुंह पे पेंट करके दस्तों में रहता होता था जब इराकी जो है ना बाबल के टावर बना रहे थे। इट्स नॉट अबाउट वेस्ट और ईस्ट, याद रखिएगा। इट्स अबाउट हूएवर इज एंसरिंग द बिगर क्वेश्चंस के आसमानों पे कैसे जाना है, सितारों की मंजिलें आगे कौन सी हैं। आप सुमेरियन सिविलाइजेशन ले लें, मायन ले लें, ग्रीक ले लें, इंडियन ले लें, चाइनीज ले लें, जब भी आप ये देखेंगे कि उस सिविलाइजेशन ने क्या किया था, लोग किसके पीछे लगे थे, पता चलेगा उस वक्त जो भी उस वक्त की नासा थी उसके पीछे लगे हुए थे, उस वक्त की नासा। 8,000 साल जब हमारे बारे में बात हो रही होगी ना, तो लोग कहेंगे इसके दौर में ना नासा थी, अरे इलॉन मस्क लेवल के लोग थे, मार्स से पहुंच रहे थे लोग, मेरे और आपके बारे में बात नहीं हो रही होगी। जब भी इब्ने आदम ने आसमान की तरफ देखा है ना, तो जिसने भी आसमान के राजों को बताने की कोशिश किया, लोग उसको आका बना के बैठ गए, याद रखिएगा। सो हूएवर आंसरिंग दोस क्वेश्चंस ऑफ द एस्ट्रोनॉमी, दोस आर द पीपल हु एवरीवन एल्स एम्युलेट्स, याद रखिएगा। बाकी सब क्लस्टर्स होते हैं कॉन्शियसनेस के, जमीर के, मामलात के, सेल्फ के, ये सारा कुछ है, मगर निजाम इंसानी जो है ना वो उसके गिर्द घूमता है जो यूनिवर्सल गैलेक्टिक आंसर देता। सो इट इज That's the reason why we are chasing the West. अगर West से आप NASA को निकाल दें तो West में सिर्फ pornography रह जाती है और कोई advancement नहीं है उनकी। Science की peak जो है, I'm not talking about as in the industry. I'm talking about their nakedness of their mind. कि बस हर चीज allow करो, मुझे हर चीज allow करो। ये pornography is a psychological term I used. What I'm saying is, अगर आप West में से astrophysics को निकाल दें तो साइंस किसी भी उस तरह की साइंस के पीछे हम पीछा नहीं किया हमने, याद रखिएगा। वो साइंस ईस्ट में भी रही है, इब्ने सीना ईस्ट में था, ठीक है, अभी भी ईस्ट को नहीं उन्होंने चक्कर लगाया। जब तक के मुसलमान एस्ट्रोनॉमी के बातें करते थे, तो कोर्डोबा में गोरे भी अपने बच्चे, किंग ने भी अपनी बेटी को, प्रिंसेस को कोर्डोबा में भेजा था कि इसको सिखाओ यार। जो बंदा एस्ट्रोनॉमिकल आंसर्स पूरे करता है,
इंसानों के अंदर वो जो ख्वाहिश है ना वो ये कि बाहर कौन निकालेगा हमें। इंसान वाहिद जानवर है जो हर वक्त ऊपर देखता है कि यहां से बाहर निकालो, ये जेल है मेरे लिए। ठीक है, बेसिकली तो जन्नत के बनाए हुए मखलूक है ना, तो हमें दुनिया बर्दाश्त नहीं होती, हजम नहीं होती। सो याद रखिएगा, इट्स नॉट अबाउट द वेस्ट, इट्स अबाउट हूएवर इज एंसरिंग द बिगर क्वेश्चंस ऑफ द ऑफ द ऑफ द स्टार्स एंड हेवंस। दिस इज द हायरार्की की टॉप्स, हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में। सो जो हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में टॉप्स की अफेंडिंग ले लेता है, उसके गिर्द माफ करते हैं सारे। बाकी सब बायोलॉजिस्ट भी होंगे, मेडिकल डॉक्टर्स भी होंगे, केमिस्ट भी होंगे और मैथमेटिशियंस भी होंगे। खैर मैथमेटिशियन हमेशा से ऊपर ही इंटरगैलेक्टिक ही रहा है। सो द पॉइंट इज यू हैव टू नो द हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ तमाम जितने भी उलूम है ना, उसकी हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस देखें तो आपको पता चलेगा जो टॉप हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस है ना, जिसके पास वो है आपका पास दुनिया का। दैट्स इट। आप बताएं केमिस्ट्री के कितने बड़े बड़े प्रोफेसर रहे हैं, आइंस्टाइन के लेवल पर क्यों नहीं पहुंचे? ठीक है, न्यूटन क्यों फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ ऑल फिजिक्स का फादर होने के बाद साइंस का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन गया? क्या बायोलॉजिस्ट नहीं है दुनिया में? सोचें तो सही, जियोलॉजिस्ट नहीं है, मैथमेटिशियन नहीं है? नो, जो एस्ट्रोफिजिक्स को एक्सप्लेन करेगा बस वो है हमारा नेचुरल अट्रैक्शन देता है हमें। सही है, इसमें दो चीजें आती हैं। तो कहते हैं उसको, पहली बात तो ये है कि जो छोटा बच्चा वो एस्ट्रोनॉमी से नहीं इंस्पायर हो रहा, वो हो रहा है सेलिब्रिटी से उनके इंस्पायर। दूसरी बात ये है कि बाय वेस्टर्न आइडियाज आई मीन जिस तरह के ये उनमें ये भी चीज़ें आ जाती हैं सोशोलॉजिकल, ये पीपल जो गुरु हैं उनके मार्क्सिस्ट टाइप लोग। तो इसमें बिगर पिक्चर में ये कह रहा था कि हम एज ए इंटेलेक्चुअल उन्हीं को देखें। सवाल समझ गया हूँ मैं, वो बता रहा हूँ कि अगर नासा जो है ना वो तुर्की में होती तो मेरे सारे के सारे स्पेस मिशन जो है ना तुर्की से जा रहे होते। एग्जाम्पल दे तुर्की की, या चलो तुर्की को वो छोड़ें, जैम्बिया से जा रहे होते सारे स्पेस मिशन, जैम्बिया और यू नो जाहिर से जा रहे होते। तो जितना भी इस वक्त सोशियोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है ना वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है, जितनी भी इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया लिखी है नेचुरल लॉज की और कॉमन लॉज की, वो सारी की सारी वैल्यू लेस होनी थी। वो वन ऑफ द मेनी कंटेम्प्रेरी फिलोसफी होनी थी, याद रखिएगा। लोगों ने फिर अफ्रीकन फिलोसफी और कल्चर को इम्यूलेट करने की कोशिश करनी थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि वेस्टर्न सेलिब्रिटीज को इम्यूलेट किया जाता है। टॉम क्रूज इज टॉम क्रूज नो मैटर व्हाट वी डू, सलमान खान विल नेवर बी टॉम क्रूज, हम सबको पता है वो। मगर nobody wants to put Tom Cruise on the hierarchy of competence of intellectualism. Yaad rakhiyega, even Tom Cruise looks up to Einstein and Newton. Okay, nobody wants their kisi ko bhi choice di jaye na ke okay you want to answer the bigger questions, okay Hollywood ya NASA, everyone will be like kya kya comparison kiya aapne, kya comparison kar rahe. So there are लेवल्स, इसमें कोई शक नहीं है, लेवल्स होते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म के, सबसे ऊपर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। जहां पे आप बात कर रहे हैं ना वो एंटायर वॉलेटाइल किस्म की चीज है, वो तभी खड़ी रह सकती है। याद रखिएगा ये बहुत कॉमन फ्रेज है, मैकडोनल्ड्स कैन नॉट थ्राइव इन द प्लेनेट अनलेस इट इज बैक बाय डगलस मैकडोनल्ड्स। डगलस मैकडोनल्ड्स वो है जो कि टोमाहॉक मिसाइल बनाता है, ठीक है। मैकडोनल्ड्स कैन ओनली थ्राइव Until, unless Douglas McDonald Tomahawk बनाई जा रहा है, और Tomahawk जो बना रहा है वो जिस साइंस की बिना पे बना रहा है, वो साइंस का सिक्का जो है असल में वो हायरार्की जो है ना कॉम्पिटेंस पे। सो कल्चर बहुत बात की बात होती है, कल्चर बहुत है दुनिया में और बड़े बड़े अच्छे कल्चर हैं, मगर दुनिया क्यों उन कल्चर्स को एम्यूलेट नहीं करती? नॉर्वे की भी तो फिल्म इंडस्ट्री है ना, दुनिया में सेफेस्ट प्लेस इस वक्त ऑस्लो है। नॉर्वे का कल्चर दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव कल्चर होना चाहिए था, but no one in Norway is a celebrity of the world, ye yaad rakhiyega, because Norway ne sociological tarakki jo ki hai, America to soch bhi nahi sakta us taraf, America is 51st in the index of those sociological parameters jo factor hai jis pe Scandinavia is number 1 pe, Finland aur Norway ne kya se kya just laga di hai in terms of balancing the society, in terms of mamlaat kaise ho, peace kaisa ho, rights kaise milte ho citizen ko, अमेरिका तो कुछ भी नहीं है। एजुकेशन इंडेक्स में कुछ 72nd नंबर अमेरिका का, सोचे जरा। सो व्हाई डू यू थिंक बाकी के इंडेक्स में वो सारे के सारे पुअर हैं, मगर पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ मुंह करके बैठी हुई है? बिकॉज
जॉन एफ कैनेडी न्यू कि कितनी बड़ी बाजी है कि पहले चांद पे कदम कौन रखेगा। फेक कर दिया उन्होंने मगर पहला कदम रजिस्टर करवा दिया उन्होंने, ये याद रखिएगा। एवरी वन इन अमेरिका इट ओज द बिगेस्ट डेट टू जॉन एफ कैनेडी के तूने वो काम हमसे करवा दिया पूरी दुनिया के सामने कि जो कि चांद वैसी चीज है जिस पर सांस नहीं आता। आज मैं आपसे पूछू कहूँ ना कि बिलाल आपको चांद पे भेज रहा हूँ तो आपकी अम्मा ने मुझे बदवाएं देनी है, चांद पे क्यों भेज रहे उसको, वहां पे क्या करना है, कॉमन सेंस है, वहां पे क्या करना हमने। इट्स नॉट द मून, इट्स व्हाट द मून रिप्रेजेंट्स, याद रखिएगा। इट्स द टॉप हायरार्की ऑफ द स्कैफोल्डिंग। सही बात, क्या तासुरात हमें न्यूटन से आ रहे हैं या आइंस्टाइन से आ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप सही कह रहे हैं, टॉम क्रूज से आ रहे हैं, हमें मार्क्सिज्म से आ रहे हैं, हमें इगैलिटेरियनिज्म से आ रहे हैं, हमें बाकी आ रहे हैं, हमें असल में मसले वहां से आ रहे हैं, और हमें कम्युनिज्म से आ रहे हैं, हमें माओइज्म की अभी तक ये इलॉन मस्क से तो मसले नहीं आ रहे, तो इंसान थ्योरी से आ रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, यही बात सुर्खे नेशनलाइज कर रहे हैं अपने आप को बेचारे, जो जो माओ से चेयरमैन माओ को रैशनलाइज कर लेते। ऐसे भी आई क्यू है दुनिया में जो चेयरमैन माओ को रैशनलाइज करने के लिए बैठे हैं। Can you believe this? जिसने 13 महीनों में 32 लाख बंदा कत्ल कर दिया, मगर नहीं 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 हमने वो निजाम करना है। They don't even understand के bigger game जो है ना वो कहीं और play की जा रही है। उस game के अंदर जो जीत गया उसकी बाकी के गुनाह भी माफ कर देता है इंसान, और जैसा होता है उसको पीर मान लेते हैं। हम भी पीर मान रहे हैं, कोई बरेलवी पीर खुशाब के या लैया के किसी गाँव में वो लेवल नहीं अचीव कर सकता जो कि इस्लामाबाद में या वॉशिंगटन डीसी के अंदर बैठ के सिगार के अंदर हार्वर्ड क्लब के अंदर बॉस्टन के अंदर जो न्यूटन अचीव कर चुका है, ये याद रखिएगा। सो अंडरस्टैंड एम्युलेशन जो है ना इज अ टर्शियरी आउटपुट, एम्युलेशन इज अ टर्शियरी आउटपुट। सेकेंडरी लेवल के ऊपर भी एक और स्कैफोल्डिंग लगी हुई है उसके नीचे, और उसके नीचे कहीं जाके सोर्स लगी हुई है कि किस बेस के ऊपर मैं एम्युलेट करूं। So, वो सारा का सारा निजाम सेरोटोनर्जिक है, एक ही केमिकल है बस। मैं बता रहा हूँ, मंदिर जाएंगे तो बुद्ध नजर आ जाएंगे। मार्क्स के अंदर कार मार्क्स तो यहूदी वो था, उसको तो रैबा कहना चाहिए, पता नहीं क्यों उसको रैबा ही नहीं कहते, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स अ सिंपल इक्वेशन इफ यू डोंट लुक एट इट डीपली। इफ यू लुक एट इट डीपली लाइक ओ बस इतनी सी बड़ी इतनी सी बात थी। कुरान पाक ने सबसे पहले आके इंटेलेक्चुअलिज्म को फतह किया। हर नबी हजरत मूसा ने आके फिरौन से क्यों बात की, अपने अहबाब में तबलीगी जमात क्यों नहीं क्रिएट की, वो भी तबलीगी मिशन कर देते, ठीक है, कोई मसला था इसमें? वो तो पहले ही अपनी कौम को वो मतलब कौम के सबसे बड़े दुश्मन की घाटिया के दफा कट रहा है। इससे कोई बुरी स्ट्रैटी हो सकती है वॉर स्ट्रैटी कि सबसे पहले फिरौन के दफा कट रहा था? टेक्निकली स्पीकिंग ही डिड द वर्स्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स कि सबसे पहले फिरौन को अलार्म बजा दिया, पीछे पूरी बनी इसराइल को खतरे में आ गए। आज कोई भी वॉर मिशन बनाएगा बनी इसराइल को बचाने के लिए तो उल्टा करेगा ना, पहले बंदे बंदे औरतें बच्चे निकाल लो, 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर एस्केप प्लान बनाते हैं, एंड में फिरौन को जाके बता देंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा सबसे पहले इंटेलेक्चुअलिज्म फतह कर, ये बात लोगों को बचाने की नहीं, उम्मत को बचाने की, क़यामत तक की। वरना हज़रत मूसा की स्ट्रैटेजी बनी इसराइल को छुप के निकालने की होनी चाहिए थी, फिरौन का दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत थी। फिर ईसा ने रोमन्स को जब ये बात की है तो हजरत ईसा को भी चाहिए था असद लेके आते, वो भी अज़ा बन जाता। हजरत ईसा तिब के मोर्चे क्यों दिखा रहे हैं उनको? क्योंकि उनके इंटेलेक्चुअल्स मेडिसिनल जो है ना शेखियां मारते होते थे। हजरत ईसा ने फिर उन इंटेलेक्चुअल को पकड़ा, हजरत ईसा भी कल्चर बदल लेते। नहीं, बात सोशियोलॉजी की तो बहुत बात में होनी थी, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल कोर को हिट करने जाके कि इनकी पीक ऑफ द पीक क्या है। नबी अलैहिस्सलाम के टाइम के ऊपर शायरों की पीक थी, किसी को इंटेलिजेंट दूर की बात को गूंगा कहते हो रहे थे, अजमी कहते थे, अजमी इसको तो अल्लाह ने जबान नहीं दी। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उनको छाड़ा कि तुम अपने आप को बहुत ब्रेन समझ लो ना, टॉप ऑफ द फूड चेन तुम लोगों, इधर आ जाओ सारे, हमें बताते हैं टॉप ऑफ द फूड चेन पे रहने का मतलब क्या होता है। सो हर नबी अपने दौर के टॉप ऑफ द फूड चेन को ही बात करता रहा। कभी भी अंबिया ने तबलीगी जमात स्ट्रेटजी नहीं रखी कि भाई दोस्तों यारों के दौरान पूरी की पूरी कैंपेन बनाई जाए और फिर फ्ली द प्लैनेट एंड और फ्ली द वर्ल्ड एंड छोड़ो इन सबको। नहीं, सबसे पहले टॉप ऑफ द टॉप एनिमी जो भी है उसको जाके पकड़ेंगे और ऐलान कर देंगे छुप के, उसके साथ भी नहीं बात होगी। सोचें तो सही, बेसिक मैथमेटिक्स के खिलाफ चलता है नबी। बेसिक मैथमेटिक्स हमारी जो हिकमत की होती है उसके खिलाफ क्यों चलता है नबी? वो इसलिए चलता है क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है, कोई शर्म है, कोई छुप के करना है अल्लाह का काम हमने। सबसे पहले तुम्हारा सबसे बड़ा जो फिरौन है उसको पकड़ो। आजकल का सबसे बड़ा फिरौन न्यूटन फिजिक्स, सॉरी न्यूटन और आइंस्टाइन, एस्ट्रोफिजिक्स है।
कि अगर इसको हमने पिछाड़ लिया तो बाकी के सारे के सारे, आप देखें लीबिया में, ट्यूनीजिया में, मोरक्को में अरबी कौन क्यों बोलते हैं, इजिप्ट में अरबी क्यों बोलते हैं, व्हाई आर दे स्पीकिंग अरबी? ठीक है, सोचें जरा, कॉमन सेंस की बात है। वो अरबी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अरेबियन सुप्रीमेसी इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर मदीना में डिक्लेयर हो गई थी। उसके बाद जिधर जिधर मुसलमानों की हुकूमत थी उमर बिन खत्ताब की, सब अरब बोलना शुरू, अरबी बोलना शुरू हो गए थे। क्यों? दिमाग खुद ही एम्युलेट करता है उसको जो इंटेलेक्चुअल पीक के ऊपर रजिस्टर हो जाता है। सो यही हमारे साथ भी हो रहा है। हमारा अलमिया ये था अल्लाह ताला की तरफ से, बस अल्लाह ताला के देखें हिकमत। उमर ने जो बाउंड्री लगाई ना हजरत उमर की, पूरी दुनिया में हुकूमत थी, 80% इनहेबिटेंट अर्थ हजरत उमर के पास था, मगर बाउंड्री कहाँ लगाई? पाकिस्तान पे। आज हजरत उमर बिन खत्ताब ने हमारे से दीवार बनाई थी यहाँ से पाकिस्तान से, कि नहीं इधर नहीं जाना। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉल्व वंस वी हिट इंटेलेक्चुअल कोर, वरना फॉलोअर ही रहेंगे। जितनी भी आपने बात की ना मार्क्सिज्म की या लेट्स से जितने भी इजम्स निकालेंगे आप, वो सोशियोलॉजी के सोशियोलॉजिकल पिरामिड्स की एक इस्तेहकाम के लिए बनाए जाते हैं। सोसाइटी में कैसे रहना है, इकॉनमी के रूल्स कैसे बनाने हैं, मार्केट को कैसे कंट्रोल करना है, इंडिविजुअल के राइट्स कैसे करने हैं, फिर कम्युनिटी के राइट्स के ऊपर क्या लेजिस्लेशन देनी है, इसको पिनल कोड के अंदर डिफाइन करते हैं। लॉ और लॉ गिवर्स कौन होंगे, लॉ के पीछे बैकिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये सब चीजें जो है ना, दीज आर ऑल फॉलोअर्स लेजिस्लेटर्स। फॉलोअर्स ये बनाते हैं, फॉलो करते हैं। बनाने के लिए हमें वो सबमिशन चाहिए होती है कि मैं क्यों मानूं इस कानून को, वो क्यों मानूं के पीछे जो आंसर होता है वो इंटेलेक्चुअलिज्म का होता है, कि मैं क्यों किसी को मानता हूं भाई। वो कहते हैं वो सजदा, कि मैं मानूंगा सिर्फ अल्लाह, जैसे मार्क बिन जबल ने कहा ना कि नहीं मैं सिर्फ अल्लाह को रिपोर्ट करता हूं भाई, मैं और किसी को रिपोर्ट नहीं करूंगा। ये मैं आपको कह रहा हूं कि जिस दिन हमें मुसलमानों को रिकग्निशन मिल गई ना कि यार इनके कुरान में तो एस्ट्रोफिजिक्स के मौजज़े हैं, एस्ट्रोफिजिक्स की बेसिक बुनियाद बाय द वे मुसलमानों ने ही रखी हुई है, एस्ट्रोनॉमी के डैडी जो है मुसलमान हैं, इनकी अपनी हिस्ट्री में भी यही लिखा हुआ है, मैं कोई अजीब सी बात नहीं कर रहा हूं। सो और बाकी की साइंसेस की भी। सो वंस दे अंडरस्टैंड कि मुसलमानों के पास ये इंटेलेक्चुअल कोर है, उसके बाद बाकी के सारी चीजें गिफ्ट में मिलनी हमें, कल्चर भी, हमारी जबान भी, हमारे तौर अतवार भी। हम हीरो बने हैं जब तक हम दिमाग नहीं फतह करते, दिल नहीं फतह कर सकते। इस वक्त नबियों ने क्यों जाके यू नो चैलेंजेस किए, सोचें तो सही। अल्लाह ताला ऐसे कौन कहते फिरौन मुसलमान हो जाता, कौन सी बड़ी साइंस है? नबी तो सारे मोर्चे लेके आता है, ये वाला मोर्चा क्यों नबी को? वो इसलिए मिलता, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के आखिरी बच्चे का निज़ाम ये रखा हुआ है कि भाई तुम्हारी केमिस्ट्री है कि तुम किसी एक सेंटर के गेट तवाफ करोगे ही करोगे, और वो सेंटर क्या है, वो आपकी इंटेलेक्चुअलिज्म की कोर है, जो इस पे पहुंच जाएगा लोग दुनिया उसके पीछे लग जाएगी। चलो सही है, इतना ही करते हैं आज के लिए, फिर इंशाल्लाह फिर कभी आप टाइम निकालें हमारे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इट वाज लवली टॉक टू यू, हैव रियली स्ट्रक नोड कई जगहों के ऊपर। आपको इस उम्र में अगर ये अवेयरनेस दे रहे हैं तो इंशाल्लाह 10 साल में दुनिया फतह करने के लिए तैयार हो जाए आप, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।